है। मैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करूंगा, फिर एक औपचारिक बातों से शुरू करेंगे। मित्रों, आप सबका नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में नमस्ते जी। आपका स्वागत है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षण निदेशालय की ओर से आयोजित इस 4 दिवसीय प्रथम सत्र में आपका स्वागत है। तो 21 से लेकर 24 तक इस 5.5 से लेकर 6.5 तक की कक्षा में नई मीडिया एवं हिंदी से संबंधित विषय पर मेरे व्याख्यान होंगे और इंटरेक्शंस होंगे आपके साथ। आपके जो भी इस विषय में संदेह हो, उसकी निवृत्ति इसी दौरान आप कर सकते हैं। और आपको इस दौरान मार्गदर्शन ये दिया जाएगा कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है, पाठ्यक्रम में आपने जो भी अध्ययन किया उसको एक बार हम पूरा इसकी रूपरेखा आपको बताएंगे, और आपके जो भी संदेह हो इस विषय से संबंधित वो उसको निवृत्त करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आज एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा बताकर तो एक प्रथम इकाई से संबंधित विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आपके कोई भी डाउट हो तो आप वैसे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने दीजिए, 1 मिनट। तो चूंकि मैं एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसलिए आपको नहीं देख पाऊंगा, तो आप जस्ट अनम्यूट करके फिर बात कीजिए। मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं क्या, कोई हाँ बता जी, दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद। तो जस्ट मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। सो आपका ये जो पेपर है, नई मीडिया एवं हिंदी, इस पर इसका आपने काफी अध्ययन किया मैं ऐसा मानता हूँ, और फिर भी आपको पता है इसमें 5 इकाइयों में आपने विषय का अध्ययन किया था। कुल 5 इकाइयां हैं। तो पहली इकाई में ऑनलाइन संचार के विविध आयामों से संबंधित आपने 5 पाठों में अध्ययन किया होगा विविध बातें, और फिर दूसरी इकाई है नई मीडिया का सामान्य परिचय, और तीसरी इकाई काफी महत्वपूर्ण है नई मीडिया के तकनीकी आयाम। ये नई मीडिया संबंधी जो मीडिया के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये नया विषय है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से पहले से जो मीडिया का स्वरूप था वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, तो ये जो नव माध्यम का विकास हुआ उसके तकनीकी आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें हमारी कोशिश ये रही कि हम आपको कुछ तकनीकी कुशलताएं भी प्रदान करें, क्योंकि आप दूरस्थ शिक्षण के विद्यार्थी हैं और हिंदी विषय से संबंधित विद्यार्थी है, तो इसलिए तकनीकी दृष्टि से आपका इतना यदि उस विषय में प्रवेश भी ना हो लेकिन कुछ सीख सकते हैं। वैसे आपको पाठों के अंतर्गत कुछ तकनीकी कुशलताएं प्रदान करने के लिए छोटा सा HTML का कोडिंग भी आपको इसमें शामिल किया गया, और जिसको प्रैक्टिकली आप करके भी सीख सकते हैं। और हिंदी नई मीडिया अतीत एवं वर्तमान, मतलब जिस नई मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको यदि हिंदी के संदर्भ में हम देखें उसका अतीत कैसा रहा और वर्तमान कैसा है, और इवन भविष्य के संबंध में भी कुछ हम बात करेंगे, और फिर नई मीडिया से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं आचार संहिता से संबंधित अंतिम अध्याय है। तो ये 5 इकाइयां जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये जो पाठ्यक्रम है आपका ये आपको न केवल संचार से संबंधित और माध्यम नव माध्यम से संबंधित जानकारी इसमें मिलेगी, इसके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष पे भी जानकारी मिलेगी, और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो इस दौर से संबंधित पूरी तकनीकी परिप्रेक्ष्य को और हिंदी में हिंदी के माध्यम से आप हासिल करेंगे। जो मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और नव माध्यमों में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह ज्ञान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला जो एक पहली इकाई जो है इसमें ऑनलाइन संचार के विविध आयामों से संबंधित है। तो इसमें कुल 5 पाठ है। तो पहला जो पाठ है आपको संचार की अवधारणा,
और दूसरा पार्ट है ऑनलाइन संचार से संबंधित, और तीसरा इंटरनेट से संबंधित, चौथा वेबसाइट और ऑनलाइन संचार का सामान्य परिचय। तो ये पांचों पार्ट इसके अंतर्गत हैं। तो आज इस दौर में जब से आपको ये कोरोना महामारी फैला हुआ है, हर कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी गतिविधियां, और न केवल इस समय, इससे पहले भी जैसे आपके हाथों में स्मार्टफोन आ गया और इंटरनेट सुविधा है, तब से आप ऑनलाइन में काफी सारी गतिविधियां कर रहे हैं। हर कोई अपना ईमेल भेजते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ ऑनलाइन में देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और ये सब जो है ऑनलाइन संचार के तहत हम मान सकते हैं, एक सामान्य परिचय ये है। अब हम आगे जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि संचार क्या है, संचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, आपका जो अनुभव क्षेत्र है इसी में पहले से ये रहने की वजह से इसको समझना आसान है, और दूसरा आप अपनी पढ़ाई के दौरान स्कूली स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर संचार क्या है ये तो समझ गए होंगे, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा विषय है कि जस्ट आप आपस में जो बातचीत करते हैं उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से जो भी आपके साथ सूचनाओं का साझाकरण होता है उसको भी हम संचार के रूप में मानते हैं। तो अब हम औपचारिक रूप से ये समझने की कोशिश करेंगे कि संचार की क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है, संचार का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी अवधारणा आपके सामने पेश की है कि विचारों, सूचनाओं, ज्ञान, अभिवृत्ति या भावनाओं का दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी रूप में आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होते हैं उसको संचार कहते हैं। जैसे मानव जो सामाजिक बन गया तो एक दूसरे से मानव बातचीत करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो इस बातचीत को भी हम संचार कहेंगे। तो संचार के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बात शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज आप जिस नव माध्यम को लेकर इस विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित सबसे पहले एक छोटी सी अवधारणा जो संचार है उसको पहले समझें और फिर आगे बढ़ें, तभी बेहतरीन ढंग से आप विषय को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली इकाई ही ऑनलाइन संचार का परिचय रखा गया है, इसमें संचार का परिचय भी है, साथ ही साथ फिर ऑनलाइन से संबंधित तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें आगे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शायद किसी ने फोन को मतलब अपना माइक ऑन में रखा है, जब तक आप ऑफ कीजिए, जब आपको बोलना नहीं हो ऑफ करके रखिए ताकि बेहतर सुन पाएंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और यहाँ यह दूसरी जो बात है कि यह संचार किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे संकेतों के रूप में, जैसे हम बातचीत करने के लिए कभी, जैसे मैडम ने अभी कहा मैंने नमस्कार ऐसा दिखाया, वो संकेत के माध्यम से हो गया, जो कुछ मुझे कहना था वो खोले बिना भी बात हो सकती है। जैसे जो मुख होते हैं, मुख अभिनय के मने मतलब हाथ हिलाते हुए, कुछ उंगलियां हिलाते हुए दिखाएंगे, संकेत रूप में बात करेंगे। और मौखिक रूप से, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे मौखिक रूप से भी, दूसरा लिखित रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, और दूसरा अभी आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे दृश्य पे भी क्या है, इस दृश्य में कुछ चित्र भी है और साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ भी है, तो ये भी एक संचार का एक स्वरूप है। तो इस रूप में आपके साथ विचारों का, सूचनाओं का, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, इस प्रकार के आदान प्रदान को ही हम संचार कहेंगे। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप समझ गए संचार क्या है। तो संचार में दो तत्व महत्वपूर्ण है यहाँ पे, मतलब एक तो सूचना देने वाला, एक सूचना ग्रहण करने वाला, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेषक कहा। प्रेषक मतलब सूचना भेजने वाला, संदेश, और सूचना की तैयारी जो इम्पोर्टेंट तत्व है संचार की प्रक्रिया में, जो प्रमुख चरण है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब प्रेषक संदेश भेजता है, सूचना की तैयारी कर लेता है वो अपने दिमाग में, और माध्यम का निर्धारण करता है, मतलब कैसे सूचना प्रसारण करें। जैसे मैं, आप आमने सामने बैठे हैं, मान लीजिए कक्षा में आए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तब तो मैं जो भी तैयारी करके दिमाग में जो बातें रखी है वो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो आप सुन रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ माध्यम क्या है, आमने सामने हम बोल रहे हैं, वही माध्यम है सीधा बोलना। तो दूसरा माध्यम अभी आप देख रहे हैं, हम ऑनलाइन कक्षा में हैं, तो ऑनलाइन कक्षा में इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी बात हो रही है। तो मेरा संदेश जो है, जो कुछ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये इंटरनेट माध्यम के माध्यम से
मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। तो ये माध्यम मतलब दूसरा एक माध्यम महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात संदेश, मतलब संदेश की पहले तैयारी होती है किसके माध्यम से भेजना ये तय होता है, फिर संदेश या सूचना और उसके माध्यम से भेजना, जैसे अभी आपको संदेश आप तक पहुंच रहा है, फिर प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश, जैसे मैंने आपसे कहा अभी कुछ भी आपको बोलना है मुझसे बोलिए, तो ये टू वे हो जाएगा, जैसे मैं लगातार मैं बोलते जाऊंगा ये वन वे होगा, दूसरी तरफ आप प्राप्तकर्ता सुनने वाला, फिर आप बोलेंगे तो फिर आपसे सूचना मुझे प्राप्त होती है। मान लीजिए आपका कोई संदेह है इस विषय में, वो आप बोलेंगे, वो भी आपकी सूचना, वो फिर वहां पे मेरा रोल बदल जाता है, वहां सूचना देने वाले आप बनते हैं, प्राप्तकर्ता फिर मैं बन जाता हूं। तो इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में संदेश का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसमें चरण वही है, तो फिर प्राप्तकर्ता संदेश को सूचना को समझता है, तो फिर वो फीडबैक देता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुनेंगे, आप कुछ बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं कुछ बोलूंगा फिर, तो यही इसी को हम प्रतिपुष्टि करते हैं। इसमें तकनीकी रूप से यदि आप देखें, एक तो प्रेषक है, दूसरे सूचना या संदेश है, और इन दोनों के बीच में मतलब इसको प्रसारण के लिए माध्यम है, और फिर वहां पे प्राप्त करता है दूसरी तरफ जो पाता है, और फिर वो सूचना को सूचना की प्रतिपुष्टि देता है। तो ये प्रमुख चरण है संचार प्रक्रिया के। तो जैसे संचार प्रक्रिया में जैसे संचार में एक तो हम दो ढंग से इसको विभाजन करते हैं, और इसके कई सारे प्रकार हैं। तो प्रकार का मतलब फंक्शंस, मान लीजिए अंग्रेजी में यदि समझना है तो आपको कार्य या प्रकार दोनों भी, तकनीकी शब्द प्रकार हैं, सिंपल शब्द चाहिए तो आपको कार्य है, कार्य या प्रकार। सो यहाँ पे प्रकार का मतलब बड़ा कार्य या मुख्य कार्य मान लीजिए। संचार के प्राथमिक प्रकार क्या है, गौण प्रकार क्या है, यहाँ पे इस आरेख के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो एक तो सबसे पहले काम क्या है, प्राथमिक प्रकार में संसूचन मतलब सूचना देना, और अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, जैसे आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से, इवन आप नाटक देखते हैं, जो भी मनोरंजन का कार्य देखते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां भी संचार हो रहा है, वहां आपका उद्देश्य मनोरंजन का हो सकता है। फिर प्रत्यायन, प्रत्यायन मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, मतलब फिर से प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार तो इसमें यहाँ एक्सप्लेन भी किया है मैंने, तो मतलब किस संदर्भ में हम करते हैं, सूचना देने के संदर्भ में संसूचन का, और शिक्षण के संदर्भ में अनुदेशन का, और किसी को कुछ समझाने की दृष्टि से भी, फिर याद दिलाने की दृष्टि से भी पुरानी सूचनाओं को सामने लाना, ऐसे ये प्राथमिक प्रकार इसको मानेंगे हम संचार के। और दूसरा जो है गौण प्रकार, मतलब जो मुख्य नहीं है, वो प्राथमिक नहीं है, जो अनइम्पोर्टेंट या गौण दूसरे टाइप के, तो उसमें संवाद जैसे विचार विमर्श, हम जैसे कभी जस्ट विचार विमर्श बातचीत करते रहते हो, फिर दूसरा सांस्कृतिक प्रवर्तन, और फिर तीसरा जो है एकीकरण जोड़ना, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि हिंदी संपर्क भाषा है, और हिंदी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने की प्रक्रिया, मतलब आपको इसको आधुनिक शब्दों में आप कहते हैं नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब कभी कभी आप कहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग सारे इधर आए हैं, अभी एक दूसरे से परिचित नहीं हुए, मान लीजिए कक्षा के बाद समय मिलता है, इसको हम ऐसे कुछ देर तक आपको अलाउ करते हैं, तो एक दूसरे से आप बातचीत करते हैं, इसको नेटवर्किंग मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, बातचीत करना, ये सब होता है। तो संचार के कुछ प्रमुख प्रकार जो हैं, एक तो सूचना, दूसरी बात जैसे अभी यहाँ बताया शिक्षा मतलब शिक्षण करना, और तीसरा मनोरंजन है, और चौथा जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग, जिसको संबंध स्थापित करना, एक दूसरे का परिचय ले जाना, एक दूसरे को मित्र बना लेना, चर्चा परिचर्चा, आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं संचार के माध्यम से, और सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की संस्कृति को समझना, भावों या विचारों का साम्य, एक दूसरे के भावों को समझना, और उसमें समानता और विषमता इस सबको समझना, आपसी मेल मिलाप संचार के माध्यम से संभव है, और इसका ही एक प्रमुख कार्य जैसा मान सकते हैं इसको हम। और दूसरा भावात्मक और वैचारिक एकता, और जनमत की तैयारी, मतलब लोगों में एक भावना फैलानी है कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो वैसे उसको हम कहते हैं जनमत की तैयारी, जैसे अखबारों और टीवी माध्यमों के माध्यम से यही तो प्रयास होता है कि वे जनमत की तैयारी में अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर चेतना का विकास, ऐसे कई सारे इसके प्रकार होते हैं।
तो जैसे हमने प्राथमिक प्रकार्य और गौण प्रकार्य देखा, इसकी लिस्ट जो है लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी संचार की बातें होती हैं, तो मतलब प्रकार्य इसके कई सारे हैं। तो संचार के प्रकार्यों को समझने के बाद हम समझने की कोशिश करें कि संचार कितने प्रकार के हैं। तकनीकी दृष्टि से जो भी कहा जाता है कि संचार के प्रकारों के संदर्भ में, तो मुख्यतः और कई प्रकार है, लेकिन मुख्यतः इनको हम वर्गीकृत करके चार रूपों में मानेंगे। एक अंतः वैयक्तिक संचार, जिसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा अंतर वैयक्तिक संचार, जिसको इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन हम कहेंगे। और तीसरा समूह संचार, और चौथा जो है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। और जैसे अंतर वैयक्तिक संचार का उदाहरण देखिए, मैं और आप में से कोई एक, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये अंतर वैयक्तिक मतलब एक व्यक्ति से भी हो सकता है समाचार मतलब सूचनाएं, तो वो इंट्रा पर्सनल एक व्यक्ति के अंदर ही बातें होना, लेकिन इसको उस अर्थ में ना लेके दूसरे के साथ, और फिर दूसरे के साथ जो विचार विमर्श है इसको इंटर पर्सनल। अंत वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक में थोड़ा ही सूक्ष्म अंतर है कि एक एक ही माध्यम के माध्यम से एक व्यक्ति के बीच में जो संचार हो जाता है तो वो इंटर इंट्रा पर्सनल होता है, और इंटर पर्सनल का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो हो जाता है। लेकिन आम तौर पे संचार का मतलब ही ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में ये होता है, दो या दो से ज्यादा, जैसे आपने अवधारणा समझ लिया। और फिर समूह संचार, तो समूह संचार में कुछ जैसे मैं आप समूह है, एक समुदाय है, ग्रुप है, जैसे MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो समूह इसके साथ मैं अपना कुछ सूचनाएं बांट रहा हूँ, तो अपनी सूचनाएं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मतलब आपको कुछ शिक्षण कर रहा हूँ, ये तो समूह संचार हो गया। जन संचार का मतलब ज्यादा लोगों के लिए, जैसे टीवी के माध्यम से हम कुछ बोलते हैं तो कोई इसके देखने वाले मतलब इसके श्रोता और इसके प्रेक्षक कई सारे होते हैं, तभी तो मास कहा, जन संचार, तो बड़ी संख्या में लोग इसको देखेंगे। जैसे अखबार में कुछ भी छपता है वो कई लोगों के पास पहुंच जाता है। तो हम सीधा वहां जा रहे हैं अभी, जिस बात को लेकर हमें अभी समझना है। तो जैसे परंपरागत जो भी संचार के माध्यम है, तो उनको तो समझ गए, लेकिन अब हमें समझना है ऑनलाइन संचार क्या है, डिजिटल संचार क्या है, तो इसको समझना है। जिसको ऑनलाइन कह रहे हो वो तो डिजिटल है। तो पहले ऑनलाइन का मतलब मान लीजिए हम टेलीफोन के माध्यम से करते थे, तो टेलीफोन भी कम्युनिकेशन का साधन है, तो टेलीफोन के माध्यम से करते थे, लेकिन उसको हम ऑनलाइन संचार नहीं कहते, उसको दूर संचार कह रहे थे हम। उसका नाम हिंदी में क्या था, टेली कम्युनिकेशन के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते थे, दूर संचार। और फिर आज ऑनलाइन संचार के लिए एक शब्द है, डिजिटल संचार। एक्चुअली डिजिटल जो है आंकिकता जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये डिजिटल के जो अभिलक्षण है उसको समझने से पहले, उसको समझने की क्षमता हासिल करने के लिए हम बेसिक कम्युनिकेशन क्या है, तो फिर हम जा रहे हैं ऑनलाइन संचार पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है डिजिटल संचार, उसकी सैद्धांतिक की क्या है, उसकी तकनीकी क्या है, और यदि ये तकनीक सारे यदि हिंदी में आ जाए, हिंदी भाषा की क्या क्षमता है इस दृष्टि से, तो वो भी हम देखेंगे। वास्तव में आपको ऑनलाइन संचार से संबंधित जो बातें हैं यहाँ पे, जैसे प्रयुक्त युक्तियां सबसे पहले कहा, मतलब इसके लिए जो भी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चित्र मैंने दिखाया, तो इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, जैसे मोबाइल आपका स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, मतलब इंटरनेट डाटा आपके पास होता है, ये सब युक्तियां इसका प्रयोग करते ही हम डिजिटल संचार कर रहे हैं। तो इसलिए तो इन युक्तियों के साथ जो प्रौद्योगिकी सामने आए उसका नाम हम देते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं ICT। तो यहाँ पे ऑनलाइन का संचार कहती है, संचार ऑनलाइन में मतलब कंप्यूटर या अन्य जो भी आपके साधन है, जैसे लैपटॉप हो, टैब हो, स्मार्ट मोबाइल हो, जो भी हो, उसके माध्यम से आप इंटरनेट का जो प्रयोग करते हुए जो करेंगे, तो वो ऑनलाइन संचार कहलाता है। तो जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे तो आपको लगेगा तो ये तो कोई नया नहीं है आपके लिए वैसे, लेकिन और भी नए नए इसमें सुविधाएं विकसित हो रही है ऑनलाइन संचार के। लेकिन शुरुआत से यदि हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले आप ईमेल भेजना, प्राप्त करना, ये तो आप कर रहे थे,
चॉटिंग आप तो करते हैं, टेक्स्ट चॉटिंग करते हैं, ऑडियो चॉटिंग करते हैं, वीडियो चॉटिंग, जैसे मान लीजिए अभी जिसको हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा, यहाँ हम ऑनलाइन कक्षा में हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा वीडियो चॉटिंग भी हो रहा है, मतलब वीडियो में आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये तो ऑनलाइन संचार के कई सारे उदाहरण हो गए, इन सब में हमारा अपना अनुभव है। तो जब अनुभव भी नहीं था इनको समझने में, तो कुछ हम प्रयास करेंगे तो समझ पाते थे। तो क्योंकि ये परंपरागत जो भी हमारा संचार रहा है उसी का एक रेप्लिका है, मतलब उसी का एक अनुरूप है ये, तो उसी के ढंग से हम यहाँ पे संचार कर रहे हैं। तो वेब पर जो भी समूह संवाद होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, एक तो हम जैसे टेक्स्ट चॉटिंग कहा, टेक्स्ट के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल आपका वेबसाइट हो, वेबसाइट में आप सूचनाएं देंगे, और उसमें एक तो टेक्स्ट के माध्यम से दे पाएंगे, ऑडियो के माध्यम से दे पाएंगे, वीडियो के माध्यम से, कई प्रकार से। आजकल इतना डायनामिक वेबसाइट्स आ गए हैं कि सभी प्रकार का संचार वेबसाइट के माध्यम से भी संभव है, इवन वेबसाइट के माध्यम से यही तो, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है गूगल, तो गूगल के माध्यम से हम लोग फिर ऑनलाइन चॉटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत हमारी हो रही है। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया काले रंग में, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया आदि प्रकार की सामग्री। तो मल्टीमीडिया कहते ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, यहीं पे क्या हो गया, एक नहीं रहा, एक मीडियम टेक्स्ट है, दूसरा मीडियम चित्र है, तीसरा मीडियम ऑडियो है, चौथा मीडियम वीडियो है, तो ऐसे ज्यादा जो भी है इनको ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। एक माध्यम की जगह मीडिया शब्द जो है स्वयं अपने आप बहुवचन शब्द है। तो मीडियम, अंग्रेजी में जो मीडियम शब्द है तो उसका बहुवचन शब्द मीडिया है, और हिंदी में इसको हम अपना चुके हैं, इसलिए मीडिया 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 शब्द का प्रयोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो दूसरा हिंदी का अपना समानार्थी शब्द है माध्यम, तो केवल माध्यम का प्रयोग नहीं, आजकल मीडिया का भी चल रहा है, मीडिया को हम हिंदी में अपना चुके हैं। और यहाँ पे इसको नई मीडिया कहना, कुछ लोगों को ये शब्द अजीब लग रहा होगा, तो जब हम हिंदीकरण कर लेते हैं किसी शब्द को, तो उसका हिंदी में वास्तव में जो भी लिंग नियम है उसमें कह देते कि अंग्रेजी में ही प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो, तो अंग्रेजी में ही क्यों प्रयोग हो, हिंदीकरण करने के बाद हिंदी का अपना रूप मिल सकता है इसको, तभी तो इसको नई मीडिया कहा जा सकता है मीडिया के उद्देश्य से। तो वैसे माध्यम अंग्रेजी में ही नहीं, हिंदी में भी माध्यम शब्द का रूप जो है पुल्लिंग माध्यम है, लेकिन मीडिया शब्द को मैं मानता हूं कि हिंदीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, आप किसी यहाँ के भारतीय पुरुष हो, एक विदेशी महिला से आपने शादी की है, वो मान लीजिए कोई रशियन है, महिला है, वो मान लीजिए आप केरल वासी हैं, तो केरल में आएंगे, केरल में जैसे साड़ी पहनते हैं और यहाँ का जो भी रहन सहन ये सब सीख के वो वैसी बनेंगी, तो जरूरी नहीं कि वो जैसे वहां पे वेशभूषा परिधान रहता है वैसे ही रहे। तो मतलब हम यहाँ पे जहाँ यहाँ के एक व्यक्ति शादी करके वहां की महिला को यहाँ लाए हैं, तो यहाँ संस्कारों से, यहाँ के रंग ढंग से, यहाँ के स्थितियों के अनुसार वो पलती है। तो वैसे ही मीडिया शब्द को भी जब हमने हिंदी में अपनाया तो हिंदी का स्वरूप दिया जा सकता है। जस्ट इसके शीर्षक के पीछे मेरा तर्क था कि नई मीडिया हमने क्यों नाम दिया है, तो इसको दूसरा तो लिंग सूचक ना होना हो तो सिंपली आप कह सकते हैं नव माध्यम एवं हिंदी। यहाँ नव का मतलब नया है, वही नई, नया जो भी है, यहाँ पे नयापन क्या है इस मीडियम का, तो पहले से जो भी मीडियम है, पहले से जो संचार है, इसका क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो वही इसी मल्टी में लेके आया और इसकी सैद्धांतिक और इसकी तकनीकी से संबंधित तमाम आयामों को एक्सप्लोर करके सीखना ही इसका मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम जिसको आजकल सामाजिक नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, तो उसमें सक्रियता, प्रतिक्रिया, पोस्ट करना, जैसे आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में हो, आप ट्विटर में हो, कहीं पे भी आप कुछ भी करते रहते हैं, ये सारी गतिविधियां ऑनलाइन संचार ही कहलाएंगी। तो ये गतिविधियां पहले यदि आपके लिए नई भी होती तो आज तो नहीं रह नहीं गई, मुझे पढ़ाना भी आसान हो गया। तो मान लीजिए एक साल पहले मैं इस चीज को आपको पढ़ाता तब भी थोड़ा बहुत ही समझते, ये तो इसमें आप खुद भी शामिल हो गए, तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारी कक्षाएं चालू है तो इसलिए समझना आसान है। तो फिर इसमें दो प्रकार हम मानते हैं इसको भी, ऑनलाइन संचार को, एक तो अतुल्यकालिक संचार कहते हैं, दूसरा तुल्यकालिक संचार। यहाँ पे हिंदी में भी तकनीकी शब्द होने की वजह से तकनीकी रूप में ही इसको दिया है, और दूसरा अंग्रेजी में भी वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसको ऐसा समझिए सेम टाइम,
और डिफरेंट टाइम, यहाँ पे तुल्यकालिक अतुल्यकालिक, ठीक है। सो तुल्यकालिक सेम टाइम का है, सिंक्रनस कम्युनिकेशन सेम टाइम, जैसे अभी हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे 5:30 से 6:30 तक की कक्षा मैंने कहा तो इस समय मैं आपके सामने उपलब्ध हूं, तो 6:30 के बाद आएंगे मैं नहीं रहूंगा आपके सामने, तो ये तुल्यकालिक संचार हो गया, मतलब सेम टाइम का कम्युनिकेशन। जैसे चार्टिंग, यहाँ पे उदाहरण देखिए मैं नीचे से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि उस ढंग से समझे, चार्टिंग हो, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ये सारे क्या है, तो हम आमने सामने है, एक समय में हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग बनेगा तो इसको बाद में देख सकते हैं, तो फिर वो हो गया असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसी का रिकॉर्डिंग जो बाद में आप देखेंगे वो हो गया, इसलिए यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि ईमेल, वेब पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग आदि जो है, ये सूचना प्राप्त करने वाला जब चाहे वो डाल देता है, पढ़ने वाला जब चाहे वो पढ़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ, जरूर नहीं कि आप अभी देखें, मान लीजिए सेम टाइम हम कर रहे हैं तो चॉटिंग, सेम टाइम इधर से मैंने एक मैसेज भेजा, उधर से आपने एक मैसेज भेजा, ये सेम टाइम जो हो रहा है उसको तुल्यकालिक संचार कहते हैं, ऑनलाइन में एक विशेषता है। और अतुल्यकालिक, कुछ बोल दिया हमने और फिर वो बाद में पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो कुछ एक कवि गोष्ठी है, मान लीजिए कवि आपके सामने कविता पेश कर रहा है, वो हो गया तुल्यकालिक, जबकि कविता उन्होंने लिख के रखी है पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं वो अतुल्यकालिक। लेकिन ये पुराने संदर्भ में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन ऑनलाइन के संदर्भ में ये हो चुका है कि तुल्यकालिक अतुल्यकालिक, तो सिंक्रनस असिंक्रनस कम्युनिकेशन, तो इसको भी आप समझ गए हैं कि दो प्रकार के कम्युनिकेशन क्या है। तो फिर ऑनलाइन संचार की सामान्य विशेषताएं क्या है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको कि टोटल आपका जो 24 पार्ट है, तो 24 पार्ट को मुझे पढ़ाना है आपको 4 घंटे में, और एक दिन 1 घंटा, 60 मिनट, तो 60 मिनट में एक पार्ट के लिए भी हम 60 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं, तो आमतौर पे हम कक्षा में एक पार्ट जो है 2 दिन पढ़ाते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक इकाई पूरी आपको 1 घंटे भर में आपको उसमें मोटिवेट करना है, उसके बाद भी 4 दिन में 5वां दिन बचाना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी जो है 5 इकाई को मैं कवर कर सकता हूँ 4 4 दिनों में, तो इसलिए निश्चित तौर पे हमें 1 दिन 1.5 या 2 भी कवर करना पड़ता है। तो आप ऐसे संकोच में ना रहें, मुझे जब चाहे आप रोक सकते हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं फुल स्क्रीन सामने रखा हूँ, इस डिवाइस में ऐसा संभव नहीं होता, फिर भी आप अनम्यूट करके जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, ताकि अंत तक आप इंतजार ना करें, जो जिनका जो भी संदेह है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं ताकि आपको स्पष्टीकरण मैं दे पाऊं। तो मेरी गति को लेकर कोई चिंतित ना होवे, ये रिकॉर्डिंग आपको डीडी आपको उपलब्ध करा देगा, और ये मेरा जो पावर पॉइंट है ये भी फिर से आपको मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और ये सारे पावर पॉइंट का जो कंटेंट है मैंने खुद जो किताब लिखी है नई मीडिया एवं हिंदी, उसको आपने जरूर पढ़ा होगा, तो उसी का कंटेंट है, तो इसलिए आपको आसान लगेगा। तो चूंकि मैं आपके सामने खुद हूं, इसलिए ज्यादा मैं पढ़ाने की जगह आपके जो भी इसमें संशय रहा है, तो जो इतने दिन वास्तव में डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषता ये है कि हमें कक्षा में ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं जानता हूं कि कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन कक्षाएं भी हो या आमने सामने भी हो, आपने जो पढ़कर आज तक जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो यहाँ सुलझना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड, जो पहली इकाई से संबंधित जो 5 पार्ट है अभी इसमें जो बताया मैंने, उससे संबंधित कुछ भी आपके संदेह रह गए हैं ये बीच में भी आप पूछ सकते हैं, हमारे मतलब ऐसे 5 मिनट हम बातचीत करें उससे कुछ नुकसान नहीं है, इससे दूसरे भी सीख सकते हैं, तो ये फिर से मैं बता चुका हूँ, इसलिए अंत तक इंतजार ना करें, क्योंकि 6:30 के बाद आपको दूसरे विद्वान दूसरे विषय पे पढ़ाएंगे, तो इससे पहले कुछ भी आपको पूछना है पूछ लीजिए, और हाँ यस, आप अपना नाम बता के पूछिए। मेरा नाम अखिला है। अखिला जी पूछिए। संचार की प्रकार्य का मतलब हाँ, फंक्शंस फंक्शंस मैंने कहा, मतलब संचार का काम क्या है, वो क्या करता है, प्रकार, ओके। प्रकार्य का मतलब कार्य, इसलिए सिंपल सिंपल वर्ड मैंने कहा कार्य, उसका क्या काम है, सिंपल शब्द में काम है, ये तकनीकी शब्द है ना, काम को ही हम कार्य कहते हैं, कार्य को प्रकार्य का मतलब बड़ा काम, मोटे तौर पे क्या काम करता है वो संचार, उसका उद्देश्य क्या है, वो है प्रकार्य, मतलब फंक्शन, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा मान लीजिए।
ओके मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जी। और अवधारणा का मतलब, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, जैसा हम कहते हैं ना इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, अवधारणा है, तकनीकी शब्द है। चूंकि हिंदी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, आप सोच लीजिए हिंदी को लेकर कई लोग कहते हैं कि हिंदी के माध्यम से होना चाहिए कई सारी बातें, तो हिंदी के माध्यम से जब हम जाएंगे सारे तकनीकी शब्द ऐसे ही होते हैं। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब वो उसका मतलब क्या है, मतलब हमने कहा संचार। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, अभी जब मोबाइल नहीं था किसी ने कहा मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या है, जैसे मोबाइल वैन होता है वो भी मोबाइल है, ये जो मोबाइल में है फिर इसको कहा आपने स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का मतलब क्या है, जैसे मतलब शब्द है उसी का अवधारणा शब्द है, ठीक है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा जो भी डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स है, स्पेशली जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको एक छोटा मेरा एडवाइस ये है कि जरूर आप कामिल बुल्के वाली डिक्शनरी ले लीजिए। कामिल बुल्के का अंग्रेजी से हिंदी डिक्शनरी है, जो अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से हिंदी समझेंगे, फिर ऐसे हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश भी, जैसे राजपाल का हो या किसी और का हो, कोई एक शब्दकोश, दोनों शब्दकोश आपके पास होना जरूरी है। और दूसरा एक और मैं बताना चाहूंगा, आप थोड़ा बहुत प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित, चूंकि आपको यहाँ पे हम फंक्शनल हिंदी भी पढ़ाते हैं, तो फंक्शनल हिंदी के तहत आप समझेंगे, तो ये किताब आपको ऑनलाइन में फ्री में मिल जाएगी, चाहे तो मैं भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये है प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित, इसमें केवल प्रशासन से संबंधित मिलेंगे, ये सारे शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वे सब नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको तो ऐसे शब्दों को सारे सीखना है। ये प्रशासनिक शब्दावली हिंदी और अंग्रेजी में है, और ये केवल निःशुल्क में पहले बांटते थे, अभी 20 रुपए में ये पूरी किताब आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन में तो और भी फ्री है, तो आपको ऑनलाइन किताब मैं उपलब्ध करा दूंगा, ये CSTT द्वारा प्रकाशित है। तो ऐसी पुस्तकों में आपको तकनीकी शब्द मिल जाते हैं, ये सारी तकनीकी शब्द जो है ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बनाए गए शब्द हैं, तो जो हिंदी में नहीं है उनके लिए भी कई सारे शब्द बनाए जा रहे हैं, ऐसे बनाने के लिए ये आयोग है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए मेरे इस पाठ में चूंकि ये तकनीकी विषय है और इसको समझाने के लिए तकनीकी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य भी है, तभी तो ये सारे आपके पास ऐसे ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया। फॉर एग्जाम्पल अभी तुल्यकालिकता मैंने कहा, मतलब सेम टाइम मैंने कहा, इसको समझना बहुत आसान हो गया। वहां सिंक्रोनस थोड़ा कठिन शब्द है आपके लिए, भारी शब्द है, तुल्यकालिकता भी कठिन शब्द है, लेकिन वो तकनीकी शब्द है, उसको समझना है, तो इसलिए सेम टाइम कहा, मतलब एक साथ वो एक ही समय में, उसको तुल्यकालिकता, अलग अलग समय में, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो बाद में आप देखेंगे, उसको अतुल्यकालिक कहेंगे, वैसे। तो ये सारे तकनीकी शब्द है, तो शायद आप समझ गए ना जी, समझ में आ गया ना आपको जो भी डाउट आपका था। यस सर, समझ गया। तो ऐसे ही बस तकनीकी शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, तो कॉन्सेप्ट्स मतलब यहाँ पे जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ उसमें आपको पढ़ते समय जो भी दिक्कतें आ रही है उस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। जैसे मेरा एक सुझाव था, हाँ जी पूछिए। तो इसमें जो स्लाइड दिखाया है उसमें कुछ शब्दों में मुझे डाउट है। मैं जी पूछिए। जैसे संवादात्मकता, हाँ संवादात्मकता, संवाद मतलब बातचीत, राइट। तो इसको बातचीत कर पाना, बातचीत कर पाने का मतलब क्या है, इंटरएक्टिविटी। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टीवी है, तो टीवी में जो बोल रहा है उसको आप सुन रही है, लेकिन आप बोलेंगे टीवी वाला सुनेगा नहीं सुन पाएगा। तो अभी देखिए ऑनलाइन संचार है ये, इसमें मैं भी जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि ये ऑनलाइन में मैं टीवी में जैसा हूँ वैसे दिख रहा हूँ आपके सामने, टीवी में बोल रहा हूँ जैसा, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसकी संवादात्मकता है। संवादात्मकता इंटरएक्टिविटी, मतलब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इसी को संवादात्मकता मतलब। इसमें मतलब बातचीत कर पाने की क्षमता, एक दूसरे से संवाद कर पाने की क्षमता, मैं कहूंगा आप सुन पाए, आप कहेंगे मैं सुन पाऊं, एक क्षमता, इसी को हम कहते हैं संवादात्मकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरएक्टिविटी। तो इसलिए अंग्रेजी शब्द जो है उसका समतुल्य हिंदी शब्द बने हुए हैं हर किसी के लिए। जैसे यहीं पे तो इसको मैं बताता हूँ, आपको समझती जाएंगी, फिर चाहते इस पे पूछ सकते हैं। कुछ साधनों की दृष्टि से, जैसे एक दूसरे को संदेश हम जो भेजते हैं उस दृष्टि से दोनों, यहाँ पे संदेश पाने वाला भेजने वाला दोनों भी होते हैं, तो उस दृष्टि से ऑनलाइन संचार की जो सामान्य विशेषता, एक तो सुलभता है, आसान है। जैसे आप, मैं कहूंगा आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, बहुत आसान है, सीख गए आप लोग, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे ज्यादा एज के होंगे, वे लोग कहेंगे कि मुझे नहीं आता, फिर भी आप सिखा दीजिए, 2 दिन के बाद वो बोलेंगे, तो बहुत आसान हो गया, सुलभता, सस्तापन, कितना खर्चा आ रहा है आपका। पहले देखिए, कभी आप टेलीग्राम भेजते हैं तो स्टार्ट इमिडिएटली लिखते थे, 2 शब्द के लिए 3.5 रुपए खर्च करते थे, उसमें वो भी गिनती करते थे, पता पता भी इतना आसानी से लिख देते थे ताकि ज्यादा खर्च ना हो, वो था उस जमाने में। तब मान लीजिए इतना कुछ आप कहना चाहते तो कितना खर्च होता था, अब उतना नहीं है। सस्तापन, कितना सस्ता कि एक कॉल के लिए आप 1 मिनट के लिए 1 पैसा, वो भी हिसाब था 1 रुपी पर मिनट बोल के। अब 1 मिनट क्या, अनलिमिटेड मिनट्स के लिए भी आपको फ्री हो जाता है, बहुत कम, सस्तापन, बहुत चीप। हमारे पास इंडिया में, वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, इंडिया में चीपेस्ट है डाटा, बहुत चीप है। ये अमेरिका का डाटा या और देशों का डाटा हो तो ऐसे 5 मिनट बात करना है, उनके 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। 50 रुपये कुछ नहीं है उनके पास, $1 बोलते ही आज का 70 से 75 रुपया है, तो काफी कॉस्टली है उनके पास, जबकि हमारे पास चीप है। तो सस्तापन का मतलब चीप है। और संवादात्मकता अभी समझा दिया, इंटरेक्टिविटी है, संक्षिप्तता, तो मतलब एकदम इजीली जो भी है हम कर सकते हैं, संक्षिप्तता मतलब छोटापन, और बहुरूपता, इसका कई रूपों में ये उपलब्ध है। जैसे आपने टीवी देखा तो डिजिटल टीवी कहा जा रहे हैं आज, फिर टीवी में भी आप इंटरनेट लगा के उसको भी इंटरेक्टिव बना पा रहे हैं, इवन टीवी प्रोग्राम के साथ भी वो करना, लाइव करना संभव हो पा रहा है। तो बहुरूपता मतलब आपके पास मोबाइल के रूप में आया, वो रेडियो के रूप में आया, रेडियो भी आज इंटरनेट रेडियो सामने है, तो कई रूपों में आज डिजिटल संचार संभव है। और फिर तुल्यकालिकता, अतुल्यकालिकता, ये विशेषताएं हम देख चुके हैं इससे पहले ही। और चिरस्थायीता मतलब संदेश को हम सहेज के रख सकते हैं, मैं सेव करके रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लास में ले रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इससे चिरस्थायीता बन सकती है, मतलब रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप मान लीजिए इसको वेबसाइट में डाल दिया, उपलब्ध रहेगा हमेशा, तो इसको आप जब चाहे जैसे चाहे देख सकते हैं, तो ये परमानेंट हो जाएगा, ऐसा भी है। और दूसरा प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस, ठीक है, तो ये भी संभव है ऑनलाइन संचार के माध्यम से। और फिर दूसरी और कुछ विशेषताएं जो भी है, मतलब इसमें जो चीटिंग हो रहा है, ऑनलाइन चीटिंग, उसको धोखेबाजी यहाँ कहा, अनामत्व, ये सारे तकनीकी विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताओं के साथ साथ ये भी है इसमें। और अनामत्व मतलब कोई आपको मैसेज भेज देता है, पता नहीं कौन है, ठीक है, कहीं कहीं कॉल आ जाता है, वो उस तरफ कौन है आदमी पता नहीं, ठीक है, अनामत जो कहते हैं, मतलब तो आप तमिल में कहते हैं ना मोटाई कड़िदम कहते हैं, मतलब लेटर लिखता है कोई, उसका अता पता नहीं होता, उसका नाम नहीं होता, ऐसे ही मतलब अनामत्व हो सकता है, किसमें, ऑनलाइन संचार में, वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के कुछ कर सकता है, वो अनामत्व। ये सब मतलब धोखे लोग, धोखा जो करना चाहते वो लोग करते रहते हैं ऐसे। और उन्मुक्त था, तो इसमें जो जैसे जो करना है कर पा रहे हैं, वो भी मतलब सामान्य विशेषताओं में भी संभव है। फिर नियंत्रण, एक तरफ नियंत्रण, जैसे सरकार अभी ऑनलाइन को लेकर कई सारे नियंत्रण करना चाहती है, फिर नियमावली का अभाव, अभी तो था लेकिन 2000 के बाद से, जैसे हमारे पास आईटी एक्ट 2000 में बना, जबकि उससे पहले 90 से ही हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटीज थी, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, अभी नियम बनते जा रहे हैं। तो फिर गोपनीयता, गोपनीयता को लेकर भी, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा है, इसमें आगे के पार्टों में आप देखेंगे। और इसके पार्ट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसको आपकी निजता को लेकर, तो प्राइवेसी को लेकर जो चर्चा आई, उस चर्चा से 4 साल पहले ही आपके पाठ्यक्रम में ये पार्ट था, इसको इससे संबंधित, वही तो गोपनीयता अथवा असुरक्षा का जोखिम आदि, कई सारी इसकी विशेषताएं। इसलिए संचार की जो विशेषताएं थी उससे भी अनलिमिटेड विशेषताएं इस डिजिटल संचार के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सीधा हम जा रहे हैं अभी समझने के लिए, तो अंतरजाल को ले लेंगे। जैसे अंतरजाल आप पाठ में तो ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी चीजें जिसको समझने में आपको दिक्कत है, वो चीजें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से उसको समझ पाए। यहाँ मेरी वही कोशिश रही कि आपको हिंदी भाषी ना होने की वजह से कई लोगों को हिंदी में जो तकनीकी शब्द है वो समझने में जो दिक्कत हो जाती है, उसके लिए मैंने अंग्रेजी के भी कई सारे वर्ड्स डाल के रखा है। पूरी किताब में कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन पूरी की पूरी फिर हर वर्ड के साथ ब्रैकेट में डालना भी मुश्किल है, इसलिए कुछ तकनीकी शब्दों के लिए डाल के रखा है। जैसे यहाँ पे है अंतरजाल परत, तो आमतौर पे तकनीकी दृष्टि से अंतरजाल के 4 परत मानते हैं इंटरनेट के, तो एक भौतिक परत, और दूसरा पता परत, तीसरा परिवहन परत, चौथा अनुप्रयोग परत। ये कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी है वो जो इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम भी
क्योंकि हम इसके संचार को समझ रहे हैं, ऑनलाइन संचार की क्या विशेषता होती है। इसमें कई सारे शब्द आपके लिए नए होंगे, लेकिन ये शब्द सभी शब्दों को आज जानना जरूरी भी है, अन्यथा हम अनभिज्ञ रह जाएंगे, कई सारी चीजों को समझेंगे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल आप लोग कुछ व्यवस्था कर रहे होंगे, उस दौरान आपको कहा होगा तो आप मान लीजिए BSNL वाले को या किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपने कॉल किया होगा, तब कहा होगा आप हमारा पैकेज ऐसा होता है, इसके साथ आप मोडेम ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये सब कहा होगा। तो मोडेम क्या है, राइट? तो वो मोडेम होना जरूरी है। ये तो फिजिकल लेयर, मतलब ये सारे फिजिकली साधन है, तो इनको आप देख के समझ सकते हैं, अच्छा ये इसको मोडेम कहते हैं। फिर नेटवर्क केबल, जैसे कोई वायर होता है उसको समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई कह रहे हैं। वाईफाई में कुछ भी नहीं है सामने सामने, बस आपके इसमें कुछ लकीर दिख जाते हैं, उसी के माध्यम से आप मान रहे हैं हाँ यहाँ वाईफाई है यहाँ नहीं है। जैसे आप कहीं जाके सर्च करते हैं यहाँ कोई वाईफाई नहीं है बोलते हैं, लेकिन वहां कुछ दिखता नहीं आंखों के सामने, तो केवल आपके डिवाइस में ही कुछ दिखेगा। जबकि आप नेटवर्क केबल जो है ये तो फिजिकल है, इसलिए फिजिकल लेयर कहा है इस पे। इसको अंकों से देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे नेटवर्क इंटरफेस केबल्स, जालक्रम अंतरापुष पत्रक और बेतार पत्रक और एंटेना। एंटेना तो आप समझते थे, पहले एंटेना हम लगाते थे, आजकल फिर डिश लगाते हैं, तो ये सब है वायरलेस केबल्स वगैरह, वायरलेस को बेतार कहा गया। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज, ये सब तो आप जानते हैं आजकल, पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन पहले से ये टेक्नोलॉजीज डेवलप होते आए हैं। और वाईफाई जिसमें बिना किसी तार के, तो बेतार से भी आगे का है ये, वायरलेस से भी आगे। सो वायरलेस कनेक्शन का जो इंटरनेट है उसको वाईफाई हम कह रहे हैं। और फिर एथरनेट हब्स, और फिर आज इंटरनेट हब्स की बात भी हुई हर जगह, जो चाहे जैसे पान की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला भी अपना तो वहां पे वाईफाई सेंटर खोल सकता है। जैसे पहले हमारे लिए जो टेलीफोन केंद्र थे, जैसे ISD STD बात करने के लिए, वैसे अभी खुलने वाले हैं, तो अभी अभी रिसेंटली सरकार ने निर्णय लिया। तो तब आप समझेंगे इथरनेट हब्स क्या है, फिर इंटरनेट हब्स क्या है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी है, और फिर भी कहीं कहीं तो ऐसे जगह भी बना के रखे हैं। तो फिर स्मार्टफोन है, और फिर बैंडविड्थ, आप लोग समझते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझसे आप ऑनलाइन में यहाँ इस पार्ट को सुन रहे हैं, तो किसी किसी को बीच में कट रहा होगा, उसका करने का कारण क्या है, उनका यहाँ नेटवर्क ना होना। तो फिर कहीं कहीं मान लीजिए आप मुझे ऑनलाइन में देख पा रहे हैं, आप भी मुझे दिखना है तो आपका वीडियो ऑन करेंगे, मान लीजिए ऐसे वीडियो ऑन करते ही वो कट रहा है, मतलब आपका बैंडविड्थ वहां पे कम है, तो वो काफी नहीं है। तो ये सारी तकनीकी चीजें हैं, तो इनको हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम तो जो एडवांस्ड जो कम्युनिकेशन, हम डिजिटल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, तो उसको हम समझ पाए, उसकी सैद्धांतिक को समझ पाए। तो वास्तव में आप हिंदी के विद्यार्थी होते हुए इसको क्यों समझना, जैसे हिंदी के विद्यार्थी होते हुए आप जैसे फंक्शनल हिंदी के अंतर्गत पत्रकारिता पढ़ते हैं, तो पत्रकारिता जैसे अखबारों में जो समाचार छापते हैं, समाचार संग्रहण कैसे करते हैं, समाचार कैसे लिखते हैं, ये सब तो आप पढ़ रहे थे। तो लेकिन अभी ऑनलाइन संचार, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं ऑनलाइन करेंगे, कल आप टीचर बनिए या किसी फील्ड में आप रहिए, तो ऑनलाइन संचार हर किसी के लिए आज अनिवार्य हो चुका है। तो ये सारी चीजें समझना भी आपके लिए अनिवार्य है, तभी तो हम दूसरे पता परत में हम समझ रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक वो है जिसको आप डायरेक्टली देखते नहीं है, जिसको कहते हैं IP एड्रेस। तो तकनीकी दृष्टि से ट्रेस करने के लिए यही नंबर होता है, मतलब जैसे नीचे दिखाया IP एड्रेस, आप भी अपना IP एड्रेस खोज सकते हैं, जस्ट आप अपने उसमें डाल देंगे अपना IP एड्रेस क्या है, देख सकते हैं। दूसरा URL, जैसे आप एड्रेस डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल pondiuni.edu.in, इसी को हम URL कहेंगे। तो ये मतलब ये अलग अलग होता है हर संस्था का, हर व्यक्ति का, जो भी इंटरनेट का जो भी एड्रेस हो वो अलग होता है, इंटरनेट पता भी कहते हैं उसको। तो उसी को सिंपल शब्दों में हम कहेंगे तकनीकी दृष्टि से URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो और तीसरा जो है परिवहन परत, मतलब हम जो संचार भेजते हैं वो कैसा जाता है, उसको तकनीकी दृष्टि से कहते हैं कुछ पॉकेट्स में जाता है, मतलब छोटे छोटे संदेश आगे बढ़ता जाता है, तो उसको परिवहन नियंत्रण कहते हैं, उसी को TCP और IP कहते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो फिर अंतिम जो परत है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, अनुप्रयोग परत, इसमें HTTP, FTP, SMTP, POP3
एनएनटीपी नेटवर्क और टेलीनेट डीएनएस, ये सभी तो ये नेटवर्क से संबंधित लेयर है। तो इसमें जो चार लेयर बताए ये आपको सामान्य जानकारी के लिए है, ये हम तकनीकी कोई ऐसे इंजीनियर बनने वाले तो नहीं है हम, लेकिन इतना तो हमें जानकारी होना चाहिए तभी हम ऑनलाइन संचार को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो अंतरजाल के परतों से संबंधित तो ये बात को आप समझ गए होंगे। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित ये जो बातें हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप ये बातों से परिचित है, जैसे अपलोड करना, डाउनलोड करना, राइट, ये सारे शब्द आप इस्तेमाल करते होंगे। जब आप अपलोड करते हैं तो जैसे आपके व्हाट्सएप में आपने एक पिक्चर डाल दिया या वीडियो डाल दिया, तो वो क्या होता है, अपलोड होते दिखेगा आपके मोबाइल में, एक कॉर्नर में आपके सिग्नल दिखेगा, दैट इज अपलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं किसी और के ईमेल से कुछ डाउनलोड किया, आपके ही ईमेल बॉक्स से कुछ डाउनलोड किया कोई, तो वो डाउनलोड होते दिखेगा, तो डाउन एरो अप एरो, तो आजकल इसको देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब जो है अपलोड और डाउनलोड, इस प्रक्रिया में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है उससे संबंधित बातें समझने के लिए हमने Requested to wait until sir comes and he will be joining with you people within 5 minutes. Thank you. हाँ, और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फाइल अंतरण प्रोटोकॉल, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सारी तकनीकी बातें हैं, जैसे डाउनलोड हो, अपलोड हो, ये सारी बातें। तो अंतरजाल के संचालन से संबंधित, मतलब जो भी इंटरनेट का जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत ये सारे महत्वपूर्ण तकनीकी बातें हैं। तो उसके जैसे फाइल अंतरण प्रोटोकॉल मैंने कहा, और दूसरा HTTP कहा, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी को हाइपर टेक्स्ट अंतरण प्रोटोकॉल हम कहेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है इसको भी आप समझेंगे आगे जाकर। बस इतना है कि जैसे आपने देखा तो कोई लिंक होता है, जब कभी आप जैसे इस क्लास में आने के लिए आपने एक लिंक पर क्लिक किया तो वो हाइपर टेक्स्ट से लिंक्ड है, मतलब हाइपर टेक्स्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो वो आप उसके साथ आ पाए हैं, तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो ये बातें और भी आप आगे सीखेंगे, तो फिर भी कुछ खास बातें यहाँ पे इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास एक मिनट में मुझे बताने दीजिए। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जो है विश्वव्यापी जाल, मतलब विश्वव्यापी वेब की खोज किया, जिसको आप WWW कहते हैं, आज W3CB कहते हैं उसको, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इससे संबंधित हाइपर टेक्स्ट जो है, जिसकी बात हमने अभी अभी की है, तो उसकी भी खोज उन्होंने की थी। तो अभी जो आज हम इतना आसानी से जो ऑनलाइन संचार कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज एक महत्वपूर्ण कदम था। तो उनकी इस खोज की वजह से ही आज हम जो है वेब ब्राउजर की सहायता से पूरे वेब पर जो भी पन्ने हैं, जो भी पृष्ठ हैं, टेक्स्ट हो, चित्र हो, वीडियो हो, मल्टीमीडिया, सब देख पा रहे हैं, डाउनलोड कर पा रहे हैं, अपलोड कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे इनका योगदान रहा है, तो इसकी खोज में, तो WWW उसकी बात है। और दूसरा हमने जैसे कहा अभी URL को भी आप समझ गए। तो URL आमतौर पे क्या है, एड्रेस आपको वैसे नंबर्स में होता है वो, लेकिन आप उतने नंबर्स याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको क्या है, फॉर एग्जाम्पल pondyuni.edu.in जैसे पता उसको बनाया जाता है। तो इसमें edu और in जो है इसका डोमेन नेम सर्विस होता है, जैसे किसी का काम होता है, किसी का नेट होता है, तो ऐसे अलग अलग जैसे इसमें बताया बहु प्रचलित डोमेन नेम्स .com, .net, .org, .mil, .edu, .gov, ऐसे कई सारे होते हैं। तो जैसे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपके पार्ट में भी है, समझना आसान है, www.pondyuni.edu.in में pondyuni डोमेन नेम है, और pondyuni जो है इसका वेबसाइट का नाम है, इसमें डोमेन जो है edu.in है, तो यहाँ छोटी गलती रहिए। और इसमें edu.in जो भारत का सूचक है, edu शिक्षा से संबंधित शैक्षिक संस्थान का सूचक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो भी उनके आप देखेंगे डोमेन नेम्स, उससे आप समझ पाएंगे कि अलग अलग डोमेन्स क्या है और उससे संबंधित बातें।
आज जो दुनिया भर में जो इंटरनेट फैला हुआ है, तो कितने सर्वर है, कितना कुछ आदान प्रदान हो रहा है, ये आंकड़ों में बताना बहुत ही मुश्किल है। जो आंकड़े यहाँ बताया वो भी किसी जमाने के आंकड़े हैं, तो आज की दृष्टि से देखें तो ये अरबों खरबों में ये आंकड़े होते हैं। तो जैसे इससे संबंधित एक चित्र आपके सामने रखा मैंने, तो ये एक तो वॉयस से संबंधित है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके DNS सर्वर, और इसमें जो भी चित्र है इसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि HTTP प्रोटोकॉल ऐसा होता है, उसका पता भी ऐसा होता है, फिर ब्राउजर के माध्यम से हम वेब ब्राउजर के माध्यम से डेटा का उपयोग करते हुए ब्राउज करेंगे तो फिर हम वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें एक URL के माध्यम से आप कैसे पहुंच पा रहे हैं वहां तक, तो ये चित्र में समझा दिया गया। आप एक से लेकर ABCD ऐसे ही क्रम में जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। और वेबसाइट्स को लेकर हम अगली कक्षा में बात करेंगे, लेकिन वेबसाइट के प्रकारों के बारे में यहाँ समझाया गया। एक तो स्टैटिक वेबसाइट, मतलब स्टैटिक वेबसाइट, और डायनामिक वेबसाइट, गतिशील वेबसाइट, और उसका क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें समझाए। ये चित्र भी आपको आपके पाठ्यक्रम में था। तो अंत में जो 5 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें हम इस प्रस्तुति को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपके कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, ताकि अगली कक्षा के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी कुमार गोस्वामी जी पधारे हुए हैं, तो वे आपको अनुवाद से संबंधित विषयों पे व्याख्यान देंगे। तो मैं अपनी प्रस्तुति यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपके निश्चित तौर पे जो भी डाउट्स हैं अगली कक्षा में आप पूछ सकते हैं। तो मुझे अब तक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। आचार्य कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से, अपने विभाग की ओर से भी आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिर औपचारिक आपका स्वागत यहाँ पे DDE की ओर से भी किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ मैडम, आप बता सकती हैं। सर, गुड इवनिंग सर, कृष्ण कुमार सर, यू आर वेलकम फॉर द क्लास सर, एंड around 23-24 students are waiting for your class, sir, eagerly. Thank you very much, sir. Students, are you able to listen to me? Whether I am audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Now Krishna Kumar sir will join with you people. Thank you.
बाय मैडम।
Students actually, SAR link has been some network problem. It has been cut, it seems. And he is trying to log in again. That's what the delay. You kindly wait, he is trying to log in. Thank you, ma'am. I didn't hear anything.
Sir, good evening, sir. Krishna Kumar, sir. Now we were able to get into the class, sir. Sir, are you able to listen to me, sir? Kindly put on your mic, sir, please. Phone money mic on. Phone money, sir. The mic on. Our mic on. Hello. Sir, good evening, sir. Now we are able to listen to you, sir. Thank you, sir. You can start your class. No, I can start it. Sir, you can start it, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. आज हमारा विषय होगा अनुवाद के स्वरूप, अनुवाद क्या है और अनुवाद का स्वरूप क्या है, इस पर हमारी चर्चा होगी। और इस चर्चा में मैं आपको बता दें कि अनुवाद की जो बात है, मैं अनुवाद के स्वरूप और अर्थ की चर्चा करते हुए ये रखूंगा बात कि अनुवाद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उसकी प्रकृति क्या है। तो इस बात पर मैं आज आपके सामने ये चर्चा करूंगा। ये आजकल अनुवाद का जो आज के युग में अनुवाद दिनों दिन अधिक बढ़ रहा है, आज ये एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। आप मेरी बात सुन रहे हैं सब? हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके। आज ये एक समाज अनुवाद है, वो एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। और इसकी अवधारणा, लेकिन इसकी अवधारणा और संदर्भ में कोई खास अंतर नहीं आया, परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसमें आज अनुवाद की सार्थकता और प्रासंगिकता तो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन इसके सैद्धांतिक पक्ष और विधि प्रविधि के बारे में काफी चिंतन भी हुआ है। अनुवाद क्या है, अनुवाद की प्रकृति क्या है, अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, इसमें कई कठिनाइयां आती हैं। अनुवाद की व्यावसायिकता से क्या प्रभाव है, ऐसे अनेक आयाम हैं जिनका हमें विवरण मिल जाता है, जिनका विवेचन मिल जाता है, लेकिन अनुवाद का दर्शन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप और क्षेत्र विशद में अनुवाद विज्ञान विज्ञानी और अनुवाद शास्त्री काफी काम कर रहे हैं, और इसके व्यवहारिक पक्ष को भी साधना कोई सरल नहीं है। और यह इसीलिए कि अनुवाद शांत व्यवहार में जो आपसी संबंध है, जो उनमें परस्पर सामंजस्य है, उसकी विवेचन की जरूरत है। अनुवाद के इतिहास से बचलता है कि अनुवाद का इतिहास अनुवाद व्यवहार का इतिहास है, जिसमें विभिन्न युगों में अनेक अनुवादकों का योगदान रहा है। पश्चिम में अर्थात यूरोप में या अमेरिका में एथेने दोले, जॉन ड्राइडन, स्कॉट फिट्जरलैंड, फिट्जेराल्ड, यूजीन ए नाइडा, जीन लेफेवर आदि पहले अनुवाद थे, जिन्होंने जो पहले अनुवादक थे वो बाद में वो सिद्धांत शास्त्री बने। अनुवाद का सिद्धांत अनुवाद के प्रयोगकर्ताओं का अनुसरण करता है, लेकिन कुशल और उत्तम अनुवादक के लिए अनुवाद का सिद्धांत और इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी से अनुवाद की अंतर्दृष्टि और ज्ञान गहन ज्ञान मिलता है। आज भूमंडलीकरण के कारण समूचा संसार विश्वग्राम के रूप में जो है वर्ल्ड विलेज के रूप में उभर कर आया है, और इसलिए विश्व के विभिन्न भाषा भाषी समुदाय एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इन और ज्ञान क्षेत्रों के भी अनुवाद की महत्ता बढ़ी है, कई ज्ञान क्षेत्रों में अनुवाद हुआ है, और इसलिए
हम अनुवाद को केवल अर्थांतरण अथवा जो है आप कह सकते हैं कि उसको ट्रांसफर ऑफ मीनिंग नहीं कह सकते या लिंग्विस्टिक सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते, प्रतिस्थापन नहीं कह सकते, ये क्योंकि भाषा की प्रगति कोई स्थिर नहीं होती, निष्क्रिय नहीं होती, समरूपी नहीं होती और इसका प्रतिस्थापन या अंतरण किया जा सके। भाषा कोई गृहता निष्क्रिय गृहता नहीं है और कोई सामान्य उपकरण नहीं है या कोई सामान्य माध्यम नहीं है जो किसी अन्य भाषा के कथ्य को बिना किसी टकराव या संघर्ष के अपने भीतर समेट सके। भाषा अपने साथ भाषा में भाषा जो है वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरागत और भौगोलिक परिवेश में चल पलती और पनपती है, इसलिए एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा के भी प्रतिस्थापन या प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता। इसके लिए अतिरिक्त अनुवाद में ऐसी मिट्टी के समान नहीं है जिसके सारे मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, ये एक सादृश्य धर्मी सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें भाषा सशक्त सक्रिय और जीवंत माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए ये सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें दलित साहित्य कविता कहानी नाटक उपन्यास आदि के समेत है और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी वाणिज्य जनसंचार विधि प्रशासन आदि के अनुवाद में भी उतनी सार्थक है। इसलिए हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए जो आज के संदर्भ में जो विभिन्न प्रयुक्तियां आई हैं। आपने प्रयोजन मूलक हिंदी का नाम सुना होगा, तो प्रयोजन मूलक हिंदी में हम उसको जो भाषा की विशिष्ट जो भाषा होती जो विषयों की जो विषय जैसे वाणिज्य की भाषा विज्ञान की भाषा जनसंचार की भाषा प्रशासन की भाषा विधि की भाषा ये सब प्रयुक्ति कहलाती है। तो ये एक भाषा का भी जो किसी विशिष्ट साहित्य किसी विशिष्ट विधा या विशिष्ट विषय की जो भाषा होती है उसको हम प्रयुक्ति कहते हैं। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि अनुवाद का स्वरूप और क्षेत्र क्या है। अनुवाद संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है और संस्कृत में वे उसी अर्थ में, लेकिन संस्कृत में अनुवाद शब्द तो है लेकिन वह उसी भाषा अर्थ में इस्तेमाल नहीं होता जिस अर्थ में हिंदी में होता है। हिंदी में अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में अपनाया गया है जो सही नहीं है। अनुवाद की जो अवधारणा है वह अंग्रेजी के शब्द ट्रांसलेशन से बिल्कुल अलग है। ट्रांसलेशन शब्द से पहले अनुवाद शब्द विद्यमान था, बल्कि इसके पूर्वज शब्द लैटिन के ट्रांसलेटुस से भी पहले था। ट्रांसलेशन परिवर्तन में मतलब स्थानांतरण करना अंतरण करना, तो प्राचीन के पास अनुवाद के अर्थ में किया गया वो सही नहीं है। प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल में शिक्षा का प्रचलन था और ये शिक्षा वाचिक परंपरा में थी और इस वाचिक परंपरा में ज्ञान के प्रसार में और शैक्षिक रणनीति की विधि अनुवाद थी, जिसमें ज्ञान के प्रणेता गुरु अथवा आचार्यगण छात्रों को पढ़ाते या प्रवचन देते थे। वो इस तरह का वध था, अनुवाद से अनु प्लस वध तो जो है तो वध मैंने बोलना, अनु मैंने उसके बाद में बोलना, तो वध का मतलब है कि उसके गंज प्रत्यय लगा करके सफिक्स लगा करके ये एक प्रकार की जो बात पड़ती थी। तो इसका इसमें जिन मंत्रों का उच्चारण करते शिष्यगण गुरु के उन प्रवचनों और कथनों को दोहराते थे, उसको रिपीट करते थे और बोलते थे, और इसलिए वो किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना अर्थात किसी कही हुई बात के बाद कहना ये अनुवाद कहलाता था। तो उस समय मौखिक प्रवचन को उस प्राचीन काल में मौखिक प्रवचन को अनुवचन अथवा अनुवाद कहा जाता था और इसको दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि पुनः कथन दोबारा बोलना। तो संस्कृत शब्द में इसका अर्थ प्राप्तस्य पुनः कथनम अथा या ज्ञातस्य अर्थ प्रतिपादनम अव्यक्ति के रूप मिलता है, जो प्राप्त हो जाए उसको दोबारा बोलना
या जो जो आपको जो चीज पता है उसको फिर उसको आगे उसका विवेचन करना, उसको बनाना। तो ये अनुवाद का अर्थ भाषिक अंतरण के अर्थ में भारत में नहीं था, बल्कि ये व्याख्या थी, भाष्य था, विवेचन था, टीका था, वार्तिका आदि थी। उस समय जो भी उसके ऊपर बोलता था, जैसे आप देखते हैं आप कक्षा में होते हैं तो आपके सामने जो अध्यापक है किसी दोहे का या किसी कविता को बोलता है और उसकी फिर व्याख्या करता है, उसका जो है वो भाष्य करता है, उसका विवेचन करता है, उसे हम टीका या वार्तिक कहते थे। लेकिन पश्चिम में, वेस्टर्न वर्ल्ड में और पश्चिम में भारत में, यूरोप और अमेरिका में इसका सीमित अर्थ था कि एक भाषिक व्यवस्था से दूसरी भाषिक व्यवस्था में ले जाना या अंतरण करना, अंतरण ट्रांसफर करना अनुवाद कहलाता था। और इस दृष्टि से तो अनुवाद की अपेक्षा जो है अब उस दृष्टि से अब देखते हैं। इसी संदर्भ में बहुत अच्छा व्याख्या एक विद्वान रोमन याकोबसन हुए हैं, जो पहले रशियन थे, रशिया से अमेरिका चले गए थे। उन्होंने इसकी व्याख्या करते तीन तरह के अनुवाद बताए थे, जिसके बाद हम बाद में करेंगे। एक उसने कहा था इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल एंड इंटरसिमियोटिक। इसके बाद तीनों मैं करूंगा, जिसको हिंदी में इंट्रालिंगुअल को हम अंतर्भाषिक, इंटरलिंगुअल को हम अंतर्भाषिक और इंटरसिमियोटिक को अंतर प्रतीकात्मक कहते हैं। भारत और पाश्चात्य देशों में अनुवाद का काम पहले जो धार्मिक और सृजनात्मक साहित्य, कविता, कहानी, नाटक आदि के लिए होता था या धार्मिक साहित्य के लिए होता था, लेकिन उसका कोई ठोस सैद्धांतिक आधार नहीं मिला। इसकी परंपरा यूरोप में हुई। तो यूरोप में मध्यकाल में बाइबल के अनुवाद के साथ साथ अन्य विधाओं के भी अच्छे अनुवाद हुए, और उस समय अनुवाद जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए, और उसमें 16वीं शताब्दी में यूरोप में अनुवाद का स्वर्ण युग माना जाता है। उसमें सेंट जेरोम, मार्टिन लूथर, दोले, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू आर्डन आर्नल्ड आदि अनेक अनुवादक और साहित्यकार ने अनुवाद में मूल पाठ की आत्मा को सर्वप्रिय माना। प्रारंभ में पहले शब्दानुवाद पर बहुत बल दिया जाता था, क्योंकि वह बाद में उसे नकार कर भावानुवाद की बात आई, और इस दृष्टि से यह सोचा गया कि हम जो है उसे जो भावानुवाद है ये बहुत ही अच्छा और बड़ा बढ़िया होता है। और इसके लिए एक एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड जो एक बहुत बड़े अनुवादक हुए हैं, और जिन्होंने फारसी के जो है जो उन्होंने लिखे थे, और उस दृष्टि से उन्होंने लिखा है कि जीवित गोरैया भूसा भरे बाज से बेहतर है, बेटर ए लाइव स्पैरो देन ए स्टफ्ड ईगल। अंग्रेजी में कहा बेटर ए लाइव स्पैरो देन स्टफ्ड ईगल, मतलब जो भूसा भरे बाज से जीवित गोरैया बेहतर है, ऐसा ना हो कि बड़ा सुधर के दे। और इस पर जो चिंतन हुआ तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें सब होती रही हैं। बाद में पहले साहित्यिक दृष्टि से विचार होता था, लेकिन बाद में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार होने लगा। और इन भाषा में दो विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध हैं, यूजीन ए नाइडा और दूसरे कैटफर्ड भाषा कैटफर्ड। ये दोनों भाषा विज्ञानी और अनुवाद विज्ञानी दोनों थे। यूजीन अनेडा अमेरिका से थे और कैटफर्ड ब्रिटेन से थे, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से थे। यूजीन अनेडा एक बहुत भाषा विज्ञानी थे, जो वहां पर जो बाइबल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुवाद सेल के डायरेक्टर थे। इन्होंने लगभग 200 भाषाओं का बाइबल का अनुवाद, 200 भाषाओं में, विश्व की 200 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद कराया। और वो जो बाइबल का अनुवाद जो हुआ वो बाद में बहुत ही उस पूरे विश्व का काफी उन्होंने देशों की यात्रा की, भाषाओं को सीखा और फिर उसका काम करवाया और 200 भाषाओं में अनुवाद कराया बवनो नायडा ने।
और उन्हें बहुत अच्छा एक पुस्तक पहले शुरू उन्होंने लिखा, एक लेख थे था साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, उनका नाम रखा था, जो एक लैंग्वेज लैंग्वेज पत्रिका है अमेरिका से छपती है, विश्व जो अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, उसमें वो लेख जो था 45 पृष्ठों का था, 40-45 पृष्ठों का वो उनका छपा था। उसके बाद उनकी दूसरी किताब आई, फिर उन्हें किताब लिखी उसी लेख के आधार पर, टुवर्ड्स अ थियोरी ऑफ ट्रांसलेटिंग। फिर उसके बाद 1975 में उनका आया थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन चार्ल्स टेबर के साथ। तो पहली जो थी 1969 में, तो 1964 में, 1964 में उनका पहले लेख आया साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, फिर 1969 में उनकी पुस्तक आई टुवर्ड्स अ थियोरी ऑफ ट्रांसलेटिंग, फिर 1975 में चार्ल्स टेबर के साथ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। तो इन्होंने बहुत काम किया अनुवाद पर, और अभी पिछले वर्षों में ही उनका 96 की एज में, पिछले चार साल 1916 में 1960 में उनकी डेथ हुई है। और दूसरे कैटफर्ड ने भी बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, और उन्होंने ट्रांसलेशन को अनुवाद के संदर्भ में जोड़ के लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। और इन दोनों जो है, तो जब पहले अनुवाद की बात करते थे तो अनुवाद को पहले सामान्य शब्दों में अर्थ स्पष्ट नहीं होता था, एक भाषा से दूसरी भाषा में तथ्य को का अंतरण करना अनुवाद कहलाता था। लेकिन कितना तथ्य कैसे चला है, इस दृष्टि से किस प्रकार का तथ्य हो, इस पर कोई नहीं बोल पा रहा था। तो ये जो चीजें उस समय थी, तो उन्होंने जो ये दोनों लोगों ने एक समतुल्यता प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस की बात की, इक्विवेलेंस समतुल्यता का सिद्धांत, उसके आधार पर बात की। ये समतुल्यता का सिद्धांत ये मैथमेटिक्स से आया, तो समझ में, जैसे आप जानते हैं, अगर आपको मालूम है आप मैथमेटिक्स जानते हो, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो कहते हैं ये दोनों समतुल्य हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी समतुल्यता के सिद्धांत को लेकर के हमारे जो नायडा ने और कैटफर्ड ने इस पर चर्चा की, नायडा ने 64 में की, कैटफर्ड ने 65 में इस बार चर्चा की थी। तो ये दोनों जो विद्वान जिन्होंने अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर बड़ी जोरदार भाषा में और जोरदार रूप से बात की, वो ये दोनों व्यक्ति थे। बाद में बहुत से लोगों ने किया, तो पहले जो इनका था, तो बात बताया कि जो नायडा ने बताया उसका जो परिभाषा है, वो कहता है ट्रांसलेशन कंसिस्ट इन रिप्रोड्यूसिंग इन द रिसेप्टर लैंग्वेज द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट टू द मैसेज ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड सेकेंडरी इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। उन्होंने कहा कि अनुवाद स्रोत भाषा के संदेश को संग्राहक भाषा में पहले अर्थ और गौणता शैली की दृष्टि से निकटतम सहज समतुल्य पुनर्उत्पादन से है। पहले आप देखेंगे उन्होंने अनुवाद में हम दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा से मतलब ये है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाए, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाए। तो नायडा ने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा संग्राहक भाषा, उन्होंने लक्ष्य भाषा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि भाषा संग्राहक सब इकट्ठा कर सकती है, वो उसको रिसीव कर सकती है, रिसेप्टर लैंग्वेज कहा। और पहली बात उन्होंने कहा कि निकटतम सहज समतुल्य हो, और ये रिप्रोड्यूस होती है, ये द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और कैटफर्ड ने भी उसी प्रकार कहा द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन द वन लैंग्वेज बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटेरियल इन अदर लैंग्वेज। एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन माना है। अब देखिए आप के नायडा ने जो है संग्राहक भाषा का, स्रोत भाषा और संग्राहक भाषा, इन्होंने एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी उसने ये कहा
कि रिप्लेसमेंट कहा, प्रतिस्थापन कहा, तो प्रतिस्थापन मतलब ये था कि वहां वो न्यूज को रिप्लेसमेंट के उन्होंने उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोग अंतरण ट्रांसफरेंस भी कहते हैं, तो ट्रांसफरेंस भी एक तरह का पुनरुत्पादन है, लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट कहा। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से जो विद्वान को कहा, लेकिन एक उसमें समतुल्य पर दोनों ही बल दे रहे हैं, दोनों ने समतुल्यता को ध्यान में रखते कहा कि ये भाषा में मूल भाषा में जो मूल पाठ है वो भाषा स्रोत भाषा है, जिसका अनुवाद करना वो लक्ष्य भाषा है, लेकिन दोनों ने अपने अपने हिसाब से लक्ष्य भाषा तो नोएडा ने तो लक्ष्य भाषा कहा ही नहीं, स्रोत भाषा अवश्य कहा है, लेकिन कैटफर्ड ने एक ही भाषा उसको कहा है। तो इसलिए ये जो है अंतरण में संक्षिप्त किया जाए कि कुछ कहा गया है वो केवल सुरक्षित रखा जाए ऐसा नहीं, बल्कि उस पर ध्यान भी रखा जाए, कैसे उस पर ध्यान दिया जाए। अनुवाद में विषय वस्तु और शैली दोनों का अपना महत्व होता है। अनुवाद में अंतरण नहीं हो पाता तो पुनर्स्थापन या पुनरुत्पादन किया जाता है, इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति के साथ हम नहीं कह सकते कि उसको हम क्या कहेंगे। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि जो संग्राहक भाषा में जितनी ग्रहण शक्ति है कथ्य उतना ही समेटा जा सकता है, और अनुवाद से अपेक्षा की जाती है कि वो शोध भाषा में कही गई बात को इतना प्रभाव लक्ष्य जो प्रभाव स्रोत भाषा के पाठ पर पड़ता है। अगर हमें कहानी पढ़ते हैं तो अगर वो कहानी एक स्रोत तमिल भाषी के बंदर जो वो आए स्रोत भाषा में कही गई जो बात का प्रभाव अगर स्रोत भाषा के पाठ पर पड़ता है, उसी बात का प्रभाव लक्ष्य भाषा के अर्थात अंग्रेजी भाषी या फिर हिंदी भाषी या बंगाली भाषी पर भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य आयाम से गुजरना पड़ता है, और इसलिए कोशिश की जाती है कि इसको पूर्णतया समान रूप से हो, और इसलिए ये उसकी निकटतम बिल्कुल नजदीक नियरेस्ट और सहज जो है उसकी अभिव्यक्ति हो, और इसलिए अनुवाद की काफी ये जो उस बात को उन्होंने रखा। तो उन्होंने कहा इसमें इस बात से उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का रिक्रिएशन है, पुनर्सृजन है, और इसलिए निकट संवाद का अनुवाद को कहा था। तो अनुवाद का ये अपना सिद्धांत जो रखा गया था वो हमारे सामने आया, और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि ये लक्ष्य सौम्य अपना, तो जैसे गणित और तर्कशास्त्र लॉजिक और मैथमेटिक्स जैसे विषय क्षेत्र शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत के क्षेत्र है, लेकिन सिद्धांत किसी व्यवहारिक लक्ष्य की सिद्धि का परिणाम भी होता है, जब तक उसमें व्यवहारिक पक्ष ना आए वो सिद्धांत अपने आप में उतना नहीं पड़ता, और इस कोटि में इस श्रेणी में अनुवाद का क्षेत्र आता है। तो जो डॉक्टर जॉनसन ने जो मैंने बताया कि ये दिया था परिभाषा, डॉक्टर जॉनसन एक बहुत बड़े अंग्रेजी के विद्वान हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि भाषा एक भाषा का रूपांतरण दूसरी भाषा में अनुवाद है, लेकिन भावार्थ को बनाए रखा जाए, टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस, लेकिन इसमें अति व्याप्ति दोष है कि हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना सेंस को लिया जाए रिटेन रखा जाए, इस पर कोई बात उन्होंने नहीं रखी जो इन लोगों ने की है। दूसरी बात जो स्विट्जरलैंड या जो है स्विस जो है वहां के जिनेवा स्कूल के एक विद्वान हुए हैं फर्दीनांद द ससियूर भाषा विज्ञानी हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ी अच्छी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाषा को उन्होंने प्रतीक के रूप में सिंबल के रूप में माना, और उन्होंने कहा कि उसमें तीन तरह के थे, एक सिग्निफायर सिग्निफाइड और सिग्निफिकेशन। उन्होंने कहा कि संकेतित वस्तु जो संकेतार्थ और संकेतन, संकेतित वस्तु का हम ये कह सकते हैं कि ये एक यथार्थमय बाह्य जगत की वास्तविक और यथार्थमय वस्तुओं से उसका मतलब है,
और उस दृष्टि से हम जैसे अब कमल है देखते हैं, घोड़ा है, आदमी है, मेज है, किताब है, ये सब जो है यथार्थ वस्तु है। तो यथार्थ वस्तु कह सकते हैं वास्तविक जगत में हम मिलती है वो हमें दिखाई देती है। और संकेतार्थ से उनका तथा कि हमारे मन मन में उस संकेतित वस्तु, उस वस्तु जो घोड़े का आदमी कैसे होता है, घोड़ा कैसे होता है, लड़का कैसे होता है, जो है मेज मकान कैसे होता है, घर कैसे होता है, ये जो इसका बिंब, इसकी जो चित्र, इसका जो इमेज, जो इसके बाद जो है पिक्चर हमारे जो दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, वो कहता है ये संकेतार्थ है। और इस ध्वनियों के फिर इस संकेत प्रत्यय है, तो जो संकेतन है वो ध्वनियों के अनुसार उस इकाई के साथ मिलाते हुए वो संकेत, संकेत अर्थ और संकेतित वस्तुओं को मिलाने के लिए उसमें ध्वनियां काम करती हैं। जैसे आपने कहा घोड़ा, तो घोड़ा मीन्स घ ओ रा आ, कमल क म ला, तो ये जो ध्वनियां हैं इनको जब हम मिला देते हैं तो इस दृष्टि से वो एक हमारे सामने सामने वो वस्तु का जो है दिमाग में आ जाता है। अगर हम संकेतित वस्तु घोड़ा को जैसे मैंने बताया आपको कहें तो हम उसको हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है, उसकी तस्वीर आ जाती है, उसका चित्र हमारे जो है दिमाग में आ जाता है। और ये जो है होता है तो ये जरूरी नहीं कि हर भाषा में, तो आप देखेंगे कि अब अंग्रेजी में उसको हॉर्स कहते हैं, संस्कृत में उसको अश्व कहते हैं, तेलुगु में उसको गुर्रमु कहते हैं, फ्रांसीसी में उसको शैवाल कहते हैं, और तमिल में भी घोड़ा शब्द के लिए, हॉर्स के लिए अपना अपना शब्द है, अपनी अभिव्यक्तियां होती हैं, और इन साथ मिलकर जो उसमें अर्थ कथ्य के रूप में आते हैं। तो ये जब सब मिलकर के समन्वित रूप में समाहित हो जाते हैं तो ये भाषिक प्रतीक बन जाता है, वो है भाषा। और ये भाषा जो है हमारे इस भाषा के भीतर जातीय इतिहास भी होता है, सभ्यता भी होती है, उस समाज की, उस भाषा की समाज भी होता है, उस संस्कृति, उसकी संस्कृति भी होती है, और इसकी अनेक संभावनाएं हैं। और इसलिए इसमें कोशगत, संरचनागत, सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ, लाक्षणिक और विजनापरक अर्थ को अपने भीतर समेटे होते हैं। जो वस्तु आप सामने देखते हैं तो कोशगत अर्थ जो सामने हमारे हैं, कुछ शब्दों को हम जैसे हम जलज, तो जलज ज ल ज, तो जल प्लस जा, जल से उत्पन्न हुआ, तो हमने कमल के लिए शब्द कहा, तो ये जो है ये संरचनात्मक अर्थ है। और आप कहते हैं कि किसी को सामाजिक अर्थ लिए होता है, आप किसी कहते आइए पधारिए, किसी को आप बुलाते हैं तो आप तू तुम और आप, तो आपका ये सामाजिक अर्थ देता है कि कौन किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। कहीं पर आप लक्षणापरक अर्थ भी दे देते हैं। तो ये जो सब शब्द हैं ये मिल करके हमारे लिए शब्द बनाते हैं, तो इसलिए कथ्य का भाषांतरण अनुवाद है, और इसलिए इसको हम कहते हैं। तो भाषिक अनुवाद, भाषिक प्रतीक में एक तरफ से कथ्य बीच में होता है, और अगर हम उसका अनुवाद करना चाहते हैं तो अनुवाद करते हुए मैंने बताया कि भाषा भाषिक प्रतीक अर्थात भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों का सामंजस्य रहता है, दोनों का समन्वय रहता है। अगर आपके जो है कथ्य आप कहते हैं, आपने कहा कमल, तो कमल शब्द जो है तो आपके पास कथ्य दिखाई दे देता है, लेकिन अगर आपने कहा मकल या लगमक तो आपको अर्थ नहीं आएगा। तो दोनों जो है अभिव्यक्ति और कथ्य का सामंजस्य होना चाहिए, और फिर आप उसी कथ्य को आप दूसरी भाषा व्यक्ति में देते हैं एक्सप्रेशन में। तो पहला इसमें एक्सप्रेशन और कंटेंट का जो संयोजन है वो जो उसको हम कह देंगे तो वो हमारे लिए एक तरह से भाषा का वो रूप देता है, और वो हमारे भाषिक प्रतीक बन जाता है, सिंबल बन जाता है। और अगर हम उस कथ्य को जो व्यक्ति जो स्रोत भाषा के व्यक्ति थी, अगर हम उसको दूसरी व्यक्ति में डालते हैं तो वहां पर वो उस दृष्टि से वो अनुवाद की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि उसमें ये पहली बात ये है कि अगर कुछ होता भी है तो पहली बात यह है कि संकेतित वस्तु है, लेकिन उसको संकेत और दोनों का एक होना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में गधे को या उल्लू को
तो हमने उल्लू जो औल है या भारत गधे को हम मूर्ख मानते हैं भारतीय परंपरा में, और हम औल को कहते हैं वो लड़का तो उल्लू है, वो गधा है। तो ये जो हम मानते हैं इसमें अगर आप दूसरी भाषा में लें उसी तरह के अर्थ दे तो वो बड़ा अच्छा रहता है। तो आप देखेंगे अब दूसरी भाषा में औल इज एज वाइज एज एन औल, तो इज एज वाइज इन औल, अंग्रेजी के अंदर औल जो है वो बड़ा समझदार माना जाता है, और हिंदी में वो उल्लू जो है वो जो भारत में उल्लू जो है वो मूर्ख माना जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा संकेतार्थ जो मानसिक बिंब है वो बराबर होना चाहिए, अगर वो बराबर नहीं होता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए अनुवाद में जो आप देखेंगे कि संकेतार्थ एक और संकेतार्थ जो तीन बताए थे, संकेतित वस्तु, संकेतार्थ और संकेत और संकेतन, तो ये संकेतन तभी विश्वास होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इस दृष्टि से ये हम इन चीजों को देखते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे जापानी में जो आप वहां बल्कि जापानी में भी जो है इसके लिए अलग वहां भी उल्लू को अच्छे संदर्भ में माना जाता है, जबकि हमारे वहां पे जो नहीं माना जाता। तो इस दृष्टि से जब यूरोप में भी उस उल्लू को अच्छे संदर्भ माना जाता है जबकि हमारे संदर्भ में नहीं है, और इस दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा तो अनुवाद करते हुए इन सब चीजों की ओर ध्यान रखना पड़ता है, उसमें ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य लिपटे होते हैं और उनको एक साथ लाना बड़ा, और ये समतुल्यता सिद्धांत या भाषा विज्ञान में एक व्यतिरेक विशेषण आया जो दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है, तो एक व्यतिरेकी विषय कंट्रास्टिव एनालिसिस, इन दोनों भाषाओं की विषमताओं और संरचनाओं को देखा जाता है, और उस दृष्टि से हम इस प्रकार इन आधारों पर हम उसे करते हैं। जब हम इस तरह से जब उस कथ्य को उस आशय को उस मंतव्य को उस बात को जब हम दूसरी भाषा में ले आते हैं और वो उसी तरह के अर्थ देता है जो स्रोत भाषा के पाठक को देता है या श्रोता को देता है, वही भाव जो है लक्ष्य भाषा के पाठक और श्रोता को देता है, तो हम उस पाठ को सह पाठ कहते हैं, को टेक्स्ट। तो ये को टेक्स्ट जो रूप है ये उसके साथ आता है। तो इसमें ये इन दोनों का होना सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदि अनेक दृष्टियों से हमें ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें वो बात संप्रेषणीय हमें समझ में नहीं आएगी, बोधगम्य नहीं होगी, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अब ये उस दृष्टि से अनुवाद को देखा, अब हम अनुवाद को बात करें तो अनुवाद को जो है दो संदर्भों में देखा जाता है, एक व्यापक संदर्भ में और एक सीमित संदर्भ में, ये दोनों संदर्भों में अनुवादक को देखा जाता है। तो एक इस दृष्टि से जो मैंने बताया था पहले कि रोमन जैकोब्सन का नाम दिया था, तो रोमन जैकोब्सन ने उसके जो है भाषिक पाठ को तीन तरह से माना है, उसने कहा एक होता है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद, और दूसरा कहा इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन अंतर्भाषिक अनुवाद, और तीसरा कहा इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो ये जो तीनों जो हैं अंतर अनुवाद भाषा में अगर आप देखते हैं तो वो कहता है कि इसमें एक भाषा की जो प्रतीक व्यवस्था है जो सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज है उसको जो अर्थ मिलता है उसे दूसरी प्रतीक भाषा की दूसरी भाषा उसी भाषा उसे उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में उसे रखा जाए। जैसे आप कहते हैं कि आप मेरे घर पधारने की कृपा करें, किसी कहते हैं मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आना। अब देखिए आपने एक एक शब्द के लिए कितने कितने अर्थ हैं। जैसे आप पर्यायवाची शब्द होते हैं तो आप कहते हैं मेरे रेजिडेंस में, मेरे मेरे होम में या मेरे हाउस में आइएगा। तो ये जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं, और इसके साथ इसी को ये जो थी ये हमारे यहाँ
इसको हम टीका और भाष्य का नाम इनको हम देते थे संस्कृत में। ये असल में अनुवाद हमारे यहाँ इसी प्रकार का अंताभाषिक अनुवाद था जो उसमें था। और इसमें दूसरी बात, अन्य शैली में भी, अन्य बोली में भी, अन्य विधा में भी हम इसको दे सकते हैं। जैसे अन्य शैली में मैंने आपको बताया कि आपके आप मेरे घर पधारने कृपा करें, मेरे घर आइएगा, मेरे घर आइए, ये शैली शैलीगत है। और बोली जो एक भाषा की दूसरी बोली है, जैसे आपके तमिल की कई बोलियां होंगी तो उस तमिल की बोली में आप कैसे देते हैं। जैसे हिंदी में जो आप देखते हैं ब्रज भाषा है, या हमारे यहाँ अवधी भाषा है, या हमारे यहाँ कड़ी बोली है, या बुंदेली है, या बिहारी मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, तो ये बोलियों में बोली से हिंदी में मानक हिंदी में ले आना। विधा, अगर आप किसी उपन्यास को नाटक का रूप देना चाहते हैं, या किसी नाटक को आप कहानी के रूप में आप परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये अंतःभाषिक अनुवाद होगा। इसमें नाटक कहानी का जो है हम उसको रूप को हम देंगे तो वो उसी तरह से हमारे यहाँ आएगा। तो हिंदी में जैसा है कि आप देखते हैं, तो इसलिए जैसे आप देखिए शेक्सपियर के अनेक गीती नाट्य जो थे, कई उनके नाटक थे शेक्सपियर के, उसको चार्ल्स लैम ने गद्य में, वो पद्य में थे, गीती नाट्य थे, तो वो उनको उन्होंने प्रोज में रूपांतरित किया था। जहाँ एक अमेरिकी विद्वान जॉन क्रोथर थे, उन्होंने उसके थे अनेक सॉनेट का भी गद्य, उनके कई जो कविता जो काव्य थे सॉनेट थे शेक्सपियर के, उनका उसने गद्य अनुवाद किया। और इसी तरह से प्रेमचंद ने भी जो है अपने प्रारंभिक उपन्यास, जो हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जो माने जाते हैं, उनके प्रारंभ उर्दू में थे, बाद में उन्होंने उनका हिंदी में अनुवांतर किया। तो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन को हम अनुवांतर भी कहते हैं। उनको अंतर्भाषिक अनुवाद तो उसका अनुवाद है, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ उसको अनुवांतर कहा जाता था। दूसरी आया अंतर्भाषिक अनुवाद, इसमें एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था के अर्थ का दूसरी भाषा के बीच अंतर करना, वो है भाषांतर। और वास्तव में यही भाषांतर अनुवाद कहलाता है। जैसे अंग्रेजी से हिंदी, तमिल से हिंदी, हिंदी से कन्नड़, या बंगला से कन्नड़, या बंगला से तमिल में जो अनुवाद होते हैं, वे वास्तव में अनुवाद वो है, वो वास्तविक अनुवाद है। ये समतुल्यता के आधार पर इसका अंतरण होता है। और इसमें कथ्य का जो है प्रतिस्थापन होता है, या पुनरुत्पादन होता है, या पुनर्सृजन होता है, या अंतरण होता है, भाषांतरण होता है, ये सब उसके साथ है। और अगर भी दोनों भाषाओं में अगर पर्याय नहीं होते तो दिक्कत होती है, इसलिए इसमें प्रतिस्थापन अगर अंतरण में कई बार नहीं होती है तो आप उसे कर लेंगे। तो आज जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक वो कहता है कि वो जो है वो बहुत ही वो गाय, हमारे यहाँ आप जो हिंदी में गाय को बहुत शरीफ जेंटलमैन के रूप में माना जाता है, जेंटल, तो आप कह देते हैं कि वो लड़की गाय है, लेकिन अंग्रेजी में गाय को नहीं मानते, तो वहां पर आप कहोगे she is as gentle as a lamb। तो ये देखेंगे आप, फिर आप कहते हैं कोई दवाई होती है तो आप कहते हैं ये दवाई आपके लिए रामबाण औषधि होगी, तो रामबाण जो है पेनिशिया शब्द हम करेंगे, हम रामबाण के लिए कोई शब्द नहीं होगा, हम राम बो नहीं कहेंगे, तो हम उसके लिए प्रतिस्थापन किया। और कई बार व्याख्या करना पड़ता है, कई बार पुनर्सृजन रिक्रिएशन किया जाता है। इस प्रकार अंतर प्रतीकात्मक इंट्रासिमियोटिक, पहले मैंने बताया था वो इंटरलिंगुअल था, तो पहले बताया था वो इंट्रालिंगुअल था, एक ही भाषा के भीतर शैली बोली और विधा में परिवर्तन हो, इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में इंटरलिंगुअल है, और एक इंटर प्रतीकात्मक इंटर सिमियोटिक ट्रांसलेशन है। और इस इंटर सिमियोटिक ट्रांसलेशन के लिए हमें इसमें ये होता है
एक भाषिक प्रतीक होता है और दूसरा भाषेतर प्रतीक। भाषिक प्रतीक जो हम कमल, घोड़ा, गाय और या हम आदमी, लड़का, ये भाषिक प्रतीक है। लेकिन अब कई होते हैं जैसे आप जानते हैं कि जिनका नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल, जैसे आप बाजार में जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप सड़क पर देखते हैं कि वहां पर जेब्रा लाइन बनी है, तो आपकी वो जो है फुटपाथ सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों के लिए है, या लाल बत्ती ट्रैफिक लाइट होती है तो वहां पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होती है। तो रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये लाइट जो है ये भाषेतर प्रतीक है। तो येलो जो ग्रीन लाइट है वो जाने के लिए है, जो रेड लाइट है वो रुकने के लिए है, और येलो है जो देख करके चलने की है, तो बेके के आसपास को और गाड़ी तो नहीं आ रही। तो ये जो है तीनों ये भाषेतर प्रतीक के रूप में ऐसे हम बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप कभी आप तो आप कई बार आप सिर हिला देते हैं, तो ये भी एक भाषा, आपसे किसी ने कहा तो आप कह भरे। तो इस दृष्टि से ये इन ध्वनियों का प्रयोग जहां नहीं होता वो उस हम कैसे इसको ले जाए, तो ये इसको हम ये जो रूपांतरण है ये प्रतीकांतरण कहलाता है, एक प्रतीक से दूसरे। तो भाषिक प्रतीक लिंग्विस्टिक सिंबल से नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल में, तो उस दृष्टि में आप जो है कई बार आप देते हैं कोई कवि या जो है अपने भावों विचारों को चित्रकार के रूप में दे देता है, कोई नर्तक या नृत्यांगना अपने नृत्य से व्यक्त करते हैं। तो इस दृष्टि से जैसे कि महादेवी वर्मा का आपने पढ़ा होगा, तो वो अपनी जो कविता लिखती थी दीपशिखा में, तो उसके साथ एक चित्र भी देती थी, तो चित्र जो है वो नॉन लिंग्विस्टिक्स उनके साथ है। और इसी तरह से आप देखें कि आपने पढ़ा था, आपने जो पहले टेलीविजन पर या फिल्मों में देखा कि आपने रामायण आई थी, राम जो है दूसरा महाभारत आई, देवदास आई, महिला अंचल आया, राग दरबारी आए, आदि जितनी भी ये नाट्य टेलीफिल्म है या फिल्में हैं, ये क्या है, ये सब के सब अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। कि उनको हमने जो रामायण था उसको हमने रामायण की हमने कथा बना दी, उनको हमने टेलीवाइज कर दिया, उनको हमने फिल्म बना दी, तो ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको सामने थोड़ी सी 2 मिनट लूंगा कि क्योंकि समय तो थोड़ा हो गया, लेकिन 2-4 मिनट आपके लेता हूं। तो आप देखते हैं अनुवाद की प्रकृति क्या है। कुछ लोग अनुवाद को कला कहते हैं, कुछ लोग विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग शिल्प या कौशल कहते हैं। तो कोई कहते हैं ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, दूसरे कहते हैं ट्रांसलेशन इज ए साइंस, जिसके ट्रांसलेशन इज ए क्राफ्ट। तो 3 लोग इस तरह से बातें हुई थी। तो उस दृष्टि से जो अनुवाद को कला मानने वाले में एक अनुवाद जो उसको सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, और वो कहते हैं कि अनुवादक अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से अनुदित पाठ को नया रूप देता है, उसको विभिन्न शैलियों में संजोता और संवारता है। तो एक विद्वान है थियोडोर सेवरी, उन्होंने लिखा है कि थियोडोर सेवरी ने कि वो कविता जो है तो उन्होंने उसको ट्रांसलेशन एज आर्ट, तो 1960 के आसपास अमेरिका में एक सेमिनार हुआ था और उस पर इन्होंने उनकी सब प्रोसीडिंग्स उन्होंने इकट्ठी करके किताब छापी। तो उस किताब में वो उसको अनुवाद को कला के रूप में मानते हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय ज्यादातर जो साहित्य था वो अनुवाद, जो सृजनात्मक साहित्य था उसका अनुवाद होता था, और उसको विज्ञान के रूप में नायडा ही पहले आदमी है जिन्होंने इसको अनुवाद के रूप में माना था, विज्ञान के रूप में माना था। और इसी तरह से तीसरे जो आए हैं वो हैं इनका जो वो है क्या कहते हैं कैटफोर्ड। तो कैटफोर्ड ने इसको जो है शिल्प या कौशल के रूप में माना था उन्होंने, और उन्होंने इस तरह से तो उन्होंने कहा कि जो अनुवाद की जो पहली जो वो बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि अनुवाद जो है ये इसमें हम अनुवाद को
ये सृजनात्मक साहित्य, ये सृजनात्मक रूप है, और इसको उन्होंने कहा कि ये हम उसके रूप में उसको जो साहित्यिक इसमें कला इसमें जो है एक अनुवाद को किस प्रकार अपने भावों को जो है जिस पर हम कवि के भावों को हम कैसे थे। जैसे आप देखा कि एक फारसी की जो रुबाइयां थी तो रुबाइयों को जो है फिर जनार्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और बहुत सुंदर अनुवाद किया था। बाद में भारत में भी 12 लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया था और हर एक अपना अपना अनुवाद था। तो ये जो था ये अनुवाद वास्तव में आया तो ये कला के रूप में वो मानते हुए तो उसको जो है साहित्य के संदर्भ में उसको देखते हैं। और दूसरे जो विज्ञान के रूप में जो मानते हैं तो उन्होंने कहा था कि संप्रेषण व्यवहार व्यापार है जिसमें उन्होंने कोडीकरण और विकोडीकरण की बात रखी थी। उन्होंने कहा कि कोडीकरण जो वक्ता या जो लेखक है वो अपनी भाषा से उसका उसको भाषाई रूप देते हैं अपने भावों को, और विकोडीकरण जो 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 श्रोता है या पाठक है वो उसको ग्रहण करता है। और इस दृष्टि से उन्होंने उसको कहा कि ये जो बात है इसमें तो उन्होंने कहा इसमें वैज्ञानिक तकनीक की जरूरत पड़ती है, तर्कना शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे नहीं है कि अनुवाद अपने आप ही हो जाता है, और इसी से आज जो मशीनी अनुवाद आया है वो इसी वजह से इनके इसको भाषा विज्ञान की रूप में भाषा इसको विज्ञान की दृष्टि से मानने पर आज मशीनी अनुवाद जो आपके सामने हम तमिल से हिंदी में अनुवाद आया, तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद आया, आपके तमिलनाडु में बहुत से अनुवाद हुए हैं जो कि तमिल के साथ लेकर अंग्रेजी के साथ हुए हैं, ये सब उसी को अनुवाद को विज्ञान के रूप में मान के। तो उन्होंने कहा कि ये उसकी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें जो ये मशीनी पक्ष का विकास हुआ है। और जो शिल्प या कला के कौशल रुमाने वाले जो फिर जो थे उन्होंने कहा कि ये जो अनुवादक होता है वो ना कि वो कोई साहित्यकार नहीं होता, वो सृजनशील साहित्यकार नहीं होता, ना वो तर्क प्रवण वैज्ञानिक होता है। उसको अगर आप पर्याप्त किसी दो भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को अगर आप पर्याप्त प्रशिक्षण देते हैं और अभ्यास कराते हैं तो वो अनुवादक बन सकता है। जैसे आप देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में ऑफिस में जो अनुवादक है वो प्रशिक्षण और अभ्यास से हुए हैं और आज भी अभ्यास और प्रशिक्षण हो रहा है। और उस दृष्टि से वे लोग जो कहते हैं कि इन दोनों अगर है तो ये कला और विज्ञान को का आधार प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए हम उसे वो नहीं कर सकते। तो कुछ फिर इस दृष्टि से विद्वानों ने ये भी विचार हुआ हमारा कि ये तीनों नहीं है अनुवाद, ना वो केवल कला है, ना केवल विज्ञान है, ना केवल शिल्प है या कौशल है, ये तीनों है। इन तीनों में इसके साथ इसको हम कहते हैं मिश्रित विधा, ये एक मिश्रित विधा है, एक्लेक्टिक विधा के रूप में माना गया। उन्होंने कहा कि अनुवाद जब उसको साधनात्मक प्रतिभा, वैज्ञानिक की तर्कन शक्ति, उपयोगी कला फंक्शनल आर्ट, शिल्पगत दक्षता से उपेक्षा होती है, ये एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, एक सिंथेटिक प्रोसेस है ये, और इसलिए इसमें तीनों की जरूरत पड़ती है। और इसमें यह है कि अगर आप देखते हैं कि साहित्यिक पाठ का अनुवाद करते हैं तो तब तो ये एक पाठ सापेक्ष है। अगर आप साहित्यिक पाठ का अनुवाद साहित्यिक कृति का अनुवाद करते हैं तो वो कला की जो कला माना जाएगा, क्योंकि उसमें अनुवादक का व्यक्तित्व, अनुवादक की पर्सनैलिटी का तादात्म्य मूल लेखक के व्यक्तित्व के साथ होता है और ये अनुवाद सापेक्ष होता है। और इसमें विज्ञान में उसका निरूपण प्रामाणिक तथ्य पर तर्कपूर्ण होता है, इसलिए भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर होता है। और जो कौशल जैसे मूर्ति कला है या हस्तकला हैंडक्राफ्ट है या जो मूर्ति कला है आपकी, ये सीखे हुए कौशल है, ये फंक्शनल आर्ट है। और इन फंक्शनल आर्ट के लिए आपको देखेंगे तो उस दृष्टि से उसमें वो अपने दृष्टि से उसको देखता है, और इसलिए जो विज्ञान परक और सूचना परक पाठ्य सामग्री होती है, जो टेक्सचुअल मटेरियल होता है, जो 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 पाठ होते हैं उसमें अनुवाद कृतित्व का, तो इसमें अनुवादक के व्यक्तित्व का लोप होता है। और इसमें अनुवादक अगर अनुवाद, लेकिन अनुवादक को का व्यक्तित्व उसमें नहीं आना चाहिए।
अगर वो आ जाता है तो वो अनुवाद सही नहीं हो पाता। इसलिए अगर लेकिन वो कला के जो साहित्यिक अनुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व आ जाता है, हालांकि वो उसका वो करता है मूल लेखक के साथ वो जोड़ता है, लेकिन उस अनुवाद के साथ वो उसका अपना भी आ जाता है। लेकिन साहित्य का विज्ञान के रूप में और कल जो कला के जो शिल्प के रूप में या कौशल के रूप में अनुवाद आता है तो वो अनुवाद निरपेक्ष, अनुवादक निरपेक्ष होता है, उसमें अनुवाद नहीं होता। तो इस तरह से ये अनुवाद अपने आप में ये सहाय अनुवाद कला भी है, विज्ञान भी है और शिल्प भी है। तो ये जो मैंने आपके सामने आज अनुवाद के बारे में चर्चा की है, ये अनुवाद वास्तव में अपने आप में काफी बड़ा है, बहुत बड़ा व्यापक विषय है, और इस पर अगर आप पुस्तकें पढ़ने चाहते हैं तो कई पुस्तकें आई हैं, मैंने कईयों के नाम लिए, उनकी पुस्तकें तो पढ़ सकते हैं। और एक मेरी पुस्तक है अनुवाद विज्ञान की भूमिका, उसमें मैंने बड़े विस्तार से अनुवाद पर चर्चा की है, और अगर आप चाहेंगे तो वो राजकमल से प्रकाशित है। और एक ओरिएंट लांगमैन ने भी अनुवाद के ऊपर किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उसके लेख है, मैंने उसका संपादन किया है, तो आप वो देख सकते हैं इन किताबों में। और भी लोगों की किताबें हैं बहुत सारी, लेकिन सब बातें जितनी रखी गई उनको आप देखेंगे तो आपका अनुवाद अच्छे रहेगा। कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी? हेलो हेलो, हाँ जी, कोई है? हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ, तो कुछ है प्रश्न? सर नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, तो मैं बंद कर दूँ? कल अनुवाद का महत्व, आज के युग में अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता। ठीक है जी, ओके सर। हाँ, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, ओके।